जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको, छोड़ तुझे और बताही सुनाही बहु विधि सब संगी, सुनाही बहु विधि सब बताही सुनाही बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित चंद्र के चरित सुनाए, राम चंद्र के चरित सुनाए, राम चंद्र के चरित सुनाए, कलप कोटि लगी जागी जाहिन जाए, कलप कोटि लगी जाहिन जाए, कलप कोटि लगी जाहिन जाए, नाम चंद्र के राम चंद्र हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित सुनाए, रामचंद्र के चरित सुनाए, मेरे भाई बहन, देह वही का वही होता है, लेकिन वस्त्र और श्रृंगार नित बदलते रहते हैं। वैसे भगवान की कथा का जो वस्तु तत्व है वो तो वही का वही रहता है, लेकिन फिर भी कथा नित नूतन बनी रहती है। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती, गोस्वामी जी राम कथा को श्रृंगार कहते। क्यों राम कथा रोज हमें नई लगती है? कथा का जो देह है, कथा का जो वांगमय विग्रह है, वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन श्रृंगार रोज बदलता रहेगा, रोज उसके में बदलाहट आती रहेगी। इसलिए ये कथा अनंत है और ये श्रृंगार का कोई अंत नहीं होगा, चाहे कितने ही जन्म और कल्प बीत जाए इसका अंत नहीं होने वाला। इसलिए एक कथा अनंत है, अनंत सुख देने वाली और अनंत पीड़ा देने वाली ये कथा है। ज्ञान और भक्ति का प्रसाद देने वाली ये कथा है। तो इसको माध्यम बनाकर हम कुछ तात्विक चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन, ताकि ये जीव
जाग जाए। इसलिए चर्चा चल रही है कि जैसे जनक को अष्टावक्र कहते हैं, हे सौम्य, हे वत्स कहना प्राथमिकता है, हे सौम्य ये पराकाष्ठा है। जब कोई सदगुरु तुम्हें भी कह दे हे सौम्य, शुरू शुरू में गुरु अपने शिष्य को वत्स कहता है, वत्स कहता है, और गुरु शिष्य में भी ज्ञान का आदान प्रदान तो होता ही है, क्योंकि कथन होगा ना गुरु से तो ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन रिश्ता भक्ति का होता है। चर्चा ज्ञान की होती है, बंधन भक्ति का होता है। भक्ति में पांच रस होते हैं, आपने शायद सुना हो, भक्ति के प्रधान पांच रस है। भक्ति के प्रथम रस का नाम है शांत रस, भक्ति के दूसरे रस का नाम है दास्य रस, भक्ति के तीसरे रस का नाम है सख्य रस, भक्ति के चौथे रस का नाम है वात्सल्य रस, और भक्ति का अंतिम और पांचवा रस है माधुर्य रस। इन पांच रसों में भक्ति बनी रहती। राम कथा में परम ज्ञानी ज्ञान गुण राशि भूत भावन भगवान शिव ज्ञानी होते हुए भी शांत रस की भक्ति कर रहे हैं। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस रस जैसे। शांत रस की उपासना श्री शिव जी की है रामचरितमानस में, जिसमें शांत रस की उपासना होती है वो दौड़ दौड़ नहीं करता, वो बैठ जाता है। राम को पहले कल की कथा दंडक वन में शिव ने देखा था, लेकिन वो दौड़े नहीं, जहां खड़े वहां शांत हो। इस शांत रस का उसकी कभी विशेष रूप में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो केवल जो मुझे जाना है विषय में उसके अनुसंधान में बोल रहा हूं। शांत रस दूसरा है सख्य रस। सख्य रस में भगवान के साथ सखा भाव लगाया जाता है, मित्र भाव लगाया जाता है, और वो रामचरितमानस में सबसे ज्यादा निषाद राज गुह में आता है। है विभीषण, है सुग्रीव, लेकिन दोनों कभी कभी डोल जाते हैं। सुग्रीव तो भागा भागा है, और विभीषण भी रणांगण में रावण को रथ पर बैठा देखकर कांप उठा है, अधीर हो चुका है। है गुह जो डोलता नहीं है, और इसीलिए भगवान राघवेंद्र राम कथा में सुग्रीव को विदा कर देते हैं, विभीषण को विदा कर देते हैं, और विदा तो गुह को भी किया, लेकिन विदा देते समय और लोगों को कहा, जहां रहो मेरा सुमिरन करना, मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वगत हूं, सर्वमय हूं। लेकिन गुह को विदा देते समय कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रह हूं पूरा आवत जाता। तुम आते जाते रही हो,
जब जब मौका मिले, मैं तो राज की व्यस्तता में शायद न भी आ पाऊं अब वन में, तुम चले आना, अब तो रास्ता बन चुका है, अब चले आना। सख्य रस, ये भक्ति का मधुर रस। तीसरा रस है दास्य रस। दास्य रस में श्री हनुमान जी आते हैं, दासो हम। दास्य रस में श्री हनुमंत लाल जी की प्रधान नियुक्ति है, वो दास है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है दशरथ जी का, सुत विषयक, पुत्र विषयी प्रेम की चाह मनु के शरीर में दशरथ जी ने की है भगवान से। वात्सल्य रस कौसल्या का भी है, लेकिन कौसल्या उसको ब्रह्म भी तो जानते हैं। शुद्ध वात्सल्य रूप है दशरथ का और जनक और सुनैना का, दोनों का भी वात्सल्य रस है राम जी के प्रति। इतना ही नहीं, दोनों राम को पुत्र की तरह देखते हैं। ये बालक को कुछ हो जाएगा तो ये धनुष तोड़ने मत जाए, ये जो भाव है वात्सल्य का है। पांचवा और अंतिम रस है माधुर्य रस, जो श्री व्रजांगनाओं में रहा, जो गोपी जनों में व्रज सुंदरियों में रहा, माधुर्य रस। अथवा तो जनकपुर की महिलाओं में रहा, माधुर्य रस जनकपुर की महिलाओं में लबालब भरा है। निज मन फनी मूर्ति मनि करो, क्या बोली मिथिला की महिलाएं, जब राम जी को जाने का समय आया, कन्या विदाय का समय आया, तो सबकी आंख में आंसू भर आए। एक दूसरी सखिया कहने लगी, अब तो भाग फूटने जा रहे, कैसे संभालेंगे अपने को। तो एक सखी ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया कि एक ही काम हो सकता है, मन को साफ बना लो और राम की मूर्ति को मणि बना लो। निज मन फनी मूर्ति मणि करो, माधुर्य भाव है। मैं ये कहने जा रहा था आपको कि गुरु को शिष्य के प्रति वात्सल्य होता है, इसलिए वो वत्स कहता है। लेकिन सुनते 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 साधक भी सदगुरु को लगे कि अब मैं शायद नहीं रहूं तो मेरा काम ये कर लेगा, ऐसी भूमिका में जब अपने शिष्य को ऊपर उठा लेता है, तब सदगुरु उसको कहता है हे सौम्य। शास्त्रीय शब्द तो अद्भुत है, हर एक शब्द के पीछे मानो एक एक इतिहास पड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अष्टावक्री में ये शब्द हे सौम्य। सौम्य का अर्थ है जो पूर्ण रूपेण जागने की तैयारी में है। हां बिल्कुल उठा नहीं है ये निश्चित है, लेकिन पथारी में अलसा रहा है। दूध वाले ने दस्तक दी है कि दूध आ गया, सुनता है फिर भी उठता नहीं है। बच्चे स्कूल जाने के लिए दौड़ा दौड़ कर रहे, मेरा यूनिफॉर्म कहां, अपनी पत्नी चाय बना रहे, सब जानता है फिर भी अभी उठा नहीं है, अंगड़ाई ले रहा है। ऐसी अवस्था को सदगुरु सौम्य कहता है। बहुत प्यारा शब्द है। सौम्य का एक अर्थ होता है शब्दकोश में सर्वरूपेण सम्यक्ता, सर्वरूपेण पूरा सौंदर्य भर आया, जिसमें वो है सौम्य।
सौम्य यानी केवल शांत नहीं, पूरी सुंदरता आई हर प्रकार से, कोई भी एंगल से देखो बस सुंदर ही सुंदर है। केवल नाक सुंदर हो वो सुंदरता नहीं है, केवल आंखें ही सुंदर हो सुंदरता नहीं है, केवल होठ सुंदर हो वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता का विभाग नहीं हो सकता, सुंदरता सर्वांग हो। इसलिए भारतीय बड़ा सनातन अध्यात्म सूत्र में सुंदरम को अंतिम पद दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अंतिम चरण सुंदरम का है। चारों ओर से सुंदरता है, नाक भी सुंदर, कपोल भी सुंदर, होठ भी सुंदर, उदर भी सुंदर, गला भी सुंदर, कंध भी सुंदर, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसको सौम्य कहते हैं। शास्त्र के शब्द मार डालते हैं मेरे भाई बहन, इतने अद्भुत है। वैसे तो शास्त्र है लेकिन काम शस्त्र का कर रहा है, घा करता है, घाव करता है। सर्वांग सुंदरता जब शिष्य में आ जाती है तब सदगुरु उत्सव मनाता है कि हो गई बात, घट गई घटना। तुम किसी सदगुरु के अगल बगल में रहो तो वत्स तो हो ही, सौम्य होने का प्रयास करो। आजकल तो लोग अगल बगल में रहने वाले भी खटपट में पड़े रहते हैं, इसलिए संतों का संग न करो। संतों का संग है तुम्हारी खटपट मिट जाए। किसी को ये कहना, किसी को ये कहना, किसी को ये कहना, दूसरे को हानि पहुंचाना साधु संगियों को शोभा नहीं देता। वरना न करो संग, कौन तुम्हें बुलावा भेजता है। इसलिए मैं कल कहता था कि चंद लोग चाहिए जो सौम्य हो। वात्सल्य तो वत्स तो सब है, सब है वत्स। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हो जो सौम्य हो, जनक की तरह। और सुंदरता हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार की है। देह का सौंदर्य, मन का सौंदर्य और आत्मा का सौंदर्य। देह के सौंदर्य का मतलब है जो अभी मैंने कहा, सब अंग सुंदर है, जहां छुओ आनंद मिलेगा। पैर छुओ तो भी आनंद, हाथ छुओ तो भी आनंद, अरे आंखों से छुओ तो भी आनंद, शरीर से छुओ तो भी आनंद, जहां भी छुओ बस मधुर ही मधुर। साकर कहीं से भी खाओ, उल्टी सुल्टी क्या फर्क पड़ता है, जहां जीभ लगाओ मधुर मधुर। नमक में जहां जीभ लगाओ नमकीन लगता है। यह है शरीर का, वो कोई कोई विलक्षण और ईश्वर की व्यवस्था वाले लोगों में ही आता है। यहां पूर्ण रूपेण सुंदरता भगवान के सिवा किसमें है। देह का भी एक सौंदर्य है, इसका महत्व है। इसलिए कृष्ण सुंदर है, इसलिए राम सुंदर है, इतने सुंदर है कि राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको न मारे, हमने भरी जन्म में ऐसा रूप कहीं नहीं देखा है। हाँ, कृष्ण को देखते पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे। ये देह की भी सुंदरता है।
लेकिन मन की सुंदरता है, धीरे धीरे मन में सभी गुण बसने लगे। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। यहां से दो गुण लिए, वैसे 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 मन गुणों से भर दिया जाए, तब मन सौम्य हुआ। और ये करो, जैसे पैसे गिनते हो वैसे सदगुण गिनो, वैसे उम्र गिनते हो, जन्मदिन गिनते हो, डायरी के पन्ने गिनते हो, कैलेंडर के पत्ते रोज गिनते हो, फाड़ते हो, वैसे सद्गुण को गिनो। ये बड़ा सुंदर मौका है। एक तो मनुष्य देह, और वो भी कलयुग में मनुष्य देह, जल्दी बात बनती है। और तीसरा हिंदुस्तान में मनुष्य देह, जहां आपको इतने शास्त्र मिलते हैं, इतने सदगुरु मिल जाते हैं। विदेशों में दुर्लभ है ये सब। विदेश वाले लोग चिल्लाते, हम साल में दो चार कथा करने के लिए विदेश में जाते हैं, तो भी भारत के कई कथा प्रेमी चिल्लाते हैं कि बापू आप महीना डेढ़ महीने दो महीने चले जाते, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको पता नहीं वो लोग कितना चिल्लाते हैं कि हमको यहाँ कुछ नहीं मिलता। वो कितने चिल्लाते, उसको यदि कुछ नहीं मिला तो वो बिगड़ जाए। इसमें हिस्सा धर्म गुरुओं का भी हो सकता है, आचार्यों का भी हो सकता है। धीरे 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 मौका है तुम्हें। गुणों को ग्रहण, दैवी संपदा को अर्जित करो धीरे धीरे धीरे। और जब मन इन सद्गुणों से भर जाए, मन सौम्य हो गया, मन सुंदर बन गया। तीसरा सौंदर्य है आत्मा का। जब परमात्मा के सिवा और कोई चिंतन न बचे, तब आत्मा सुंदर हो जाती है, निखारी जाती है, अलंकृत की जाती है, सुंदर हो जाती है। तो श्री जनक महाराज को अष्टावक्र, हे सौम्य, मेरे वचन पर श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, मेरी वाणी पर श्रद्धा, ऐसा बोलते हैं। बड़ी करुणा कर रहे हैं आप। हम कहते रहते आपको, मेरे भाई बहन सुनिए, या तो शास्त्रों में शृणु शब्द आता है, सुनहु शब्द मानस में आता है, एक करुणा है, ये जागृत करने की श्रेष्ठा है। सुनो, कहीं चुक न जाओ, सुनो, एकाग्र बनो। इसलिए ये सुनो शब्द आया है। सुनते रहो, सुनते रहो। आपको जगाने के लिए ये तात्विक चर्चा है कि कोई सद्गुरु आपको कभी सौम्य भी कह पाए। इसलिए एक तात्विक चर्चा हम शुरू शुरू में ले रहे हैं। इसलिए आप उसको ठीक से सुने, जागे, जगाने की चेष्टा है बार बार, उजाला हो जाए। और एक बार उजाला हो गया तो फिर अंधेरे से मोहब्बत मिट जाएगी। उजाला होना चाहिए। एक आदमी जूते की दुकान पर बैठा था, उसको जूता खरीदना था, तो वो जूता खरीद ही नहीं पाया। एक दूसरा आदमी आया, वो जूता खरीद कर चला गया, तीसरा आया वो भी चला गया, चौथा आया वो भी चला गया। शाम होने लगी, जूते के व्यापारी को लगा कि ये आदमी जूता नहीं पा सकेगा, उसके नाप का कोई मिलता ही नहीं। पूरा दिन बैठा, कई लोग लेकर चले गए, लेकिन उसको अपने नाप जूते नहीं मिले। जो जूता लेता वो नाप का नहीं मिलता। इतने में बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, और वो चिल्लाया कि बस मिल गया नाप का, मिल गया जूता। दुकानदार राजी हो गया कि चलो काम पूरा हो। इतने में बिजली आई तो उसका पैर जूते के डिब्बे में था। बिजली आए तब पता लगता है कि पैर कहाँ है, जूते में है
कि डिब्बे में है। इसके लिए रोशनी चाहिए और रोशनी देता है शास्त्र। ज्ञान को दीप क्यों कहा है, ज्ञान को प्रदीप क्यों कहा है? इस उजाले में हम ये देख पाए कि हमारे पैर कहां पड़ रहे हैं। कई लोग नाप के जूते लेकर चले गए और अभी हम नाप में उलझे हैं। कोई डिब्बे में तो कहीं पैर नहीं फंसा और मान लिए कि जूते नाप के मिल गए। उसके लिए चाहिए रोशनी, सदगुरु देता है रोशनी, रोशनी प्रकट करता है। इसलिए हम ये तात्विक चर्चा आपके सामने कुछ मात्रा में रख रहे हैं। तो आप कथा सुनते हैं, कथा ज्ञान और भक्ति की प्रदाता है, तो कथा से ज्ञान मिलना ही चाहिए। मिला है कि नहीं, उसके प्रमाण के लिए, उसकी परीक्षा के लिए आइए कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र पंडाल में, जहां रथी व्यास पीठ पर भगवान गोविंद अर्जुन को ज्ञान के लक्षण के बारे में आगे आवाह कर रहे हैं। असत्ति नभी स्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठो पपति असत्तिर्नभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठो पपति निष्ठानिष्ठो पपतिषु निष्ठानिष्ठो पहला शब्द है असक्ति। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय विषय, प्रिय घटना, प्रिय प्रसंग, प्रिय पदार्थ, इनमें जो हमारा राग है उसको शक्ति कहते हैं। और प्रिय घटना, प्रिय वस्तु, प्रिय प्रसंग, प्रिय जन, प्रिय पदार्थ, इनमें राग न होना असक्ति कहते हैं। कृष्ण कहते हैं ये ज्ञानी का लक्षण है, रहता है सबके साथ लेकिन शक्ति किसी में नहीं, असक्ति भाव से रहता है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म की कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं है। हम कर्म करते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है, दान दिया तो प्रतिक्रिया हो गई। दो आदमी देखे, किसी ने मुझे देखा कि नहीं, नहीं देखा तो भी एक प्रतिक्रिया उठ ही जाती है कि मैंने दान दिया, एक सूक्ष्म रूप में प्रतिक्रिया उठ जाती है। ज्ञानी वो है जो कार्य तो करता है लेकिन उसमें कोई प्रतिक्रिया का भाव नहीं आता। किया किया, उसकी हर घटना करने के बाद भी अकर्म में समाई होती है। करना तो सबको पड़ता है, किए बिना कौन रह सकता है, करना तो पड़ेगा ही। ज्ञान होने का अर्थ भाग जाना नहीं है, असक्ति से कर्म करना है। कर्ता नहीं बनना, अभिनेता बनना है। जैसे नाटक में कोई रो लेता है, हंस लेता है, किसी के विरह में कपड़े फाड़ देता है लेकिन पर्दे के पीछे सिगरेट पीता है, चाय पीता है, न कोई असर। सुनी गुरु बचन,
चरण सिर नावा हर्ष विषादन कछु उरा। यह असक्ति। राम जी को इतना हल्ला गुल्ला मच गया जनकपुर की सभा में, महाराज जनक भी कुपित होकर सबका अपमान कर देते हैं और खलबली मच गई थी। फिर भी देखिए हर्ष विषाद न कछु उरा, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं, और धनुष टूटने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। टूट गया टूट गया, किसी ने बोल दिया बोल दिया। ज्ञानी कर्म तो करता है लेकिन उसमें उसकी शक्ति नहीं। ज्ञानी सबको मिलता है, ज्ञानी लोग जितने लोगों को मिलता है इतना कोई सम्राट भी किसी को नहीं मिल सकता। आप ज्ञानियों की तादाद, ज्ञानियों के पास, समझदार लोगों के, जागृत लोगों के पास जितने आदमियों की व्यक्तियों की भीड़ होती है, संसार में इतनी भीड़ सम्राटों के पास भी नहीं हो पाती। इसलिए नृपत्व से ज्ञान का तत्व बड़ा ऊंचा माना गया है, लेकिन फिर भी असक्ति है। कोई वस्तु उसको छू नहीं सकती। ज्ञान का ये लक्षण है अर्जुन, ये भाव बना रहे, करना तो सब है लेकिन इस भाव से। असक्ति अभिस्वंग मूल शब्द है, बहुत सुंदर। संस्कृत मैंने कहा ना कल भी, बड़ा बड़ा वैभवपूर्ण वारसा है हिंदुओं का, बड़ा सुंदर शब्द अभिस्वंग। जो पुत्र पत्नी गृह आदि में अनभिस्वंग रह जाता, ममत्व से मुक्त होता है, निर्लेप रहता है, असंग रहता है, कोई भी अर्थ लगा लो, बड़ा सुंदर शब्द है। पत्नी में तादात्म्य हो जाना अभिस्वंग है, पत्नी के साथ रहते हुए भी तादात्म्य टूट जाए अनभिस्वंग। पुत्र के साथ बस रहना है सबके साथ, लेकिन गोविंद बड़ा सुंदर शब्द का चुनाव करता है, ऐसे रहो तुम्हारी उनके साथ एक रूपता न हो जाए, क्योंकि वहां तुम लाख चाहो तो भी एक रूप नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम पत्नी के अंश नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। तुम पुत्र के अंश नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। तुम पैसों का अंश नहीं हो, तुम प्रतिष्ठा के अंश नहीं हो, तुम पदार्थ के अंश नहीं हो, और तुम जिसके अंश नहीं हो उसमें तुम्हारी मिलावट त्रिकाल में कभी संभव नहीं, कल्पों में कभी संभव। अंश का मिलन उसी से ही हो सकता है जो उसका अंशी हो, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकता। ये पानी नीचे की ओर क्यों जाता है, बारिश गिरता है तो नीचे की ओर ही आता है, क्योंकि पानी का स्वभाव है मैं जिसका अंश हूं समुद्र का, मुझे समुद्र की ओर जाना है, इसलिए कहीं से भी वो नीचे आता है, कैसे भी नीचे आता है। और दिया, दियासली जलाओ तो क्यों ऊपर जाती है, क्योंकि प्रकाश ऊपर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सूरज का अंश हूं, इसलिए कैसे ही मुझे उसकी ओर जाना है। हम अंश है परमात्मा के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख। तो ये ईश्वर का अंश है, दूसरों के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती। और करुणा क्या है कि थोड़ी बहुत मन के कारण एकता हो जाती है, इसलिए दुख होता है। आप सब जानते हैं ना, मैं कहूं और मानो ऐसी बात नहीं, सबके अनुभव होते हैं। घर में बेटा बीमार हो जाता है ना तो मां दुबली हो जाती है, क्या बात है, तादात्म है उसके साथ। पति पत्नी में बहुत राग होगा, बहुत तादात्म होगा तो पत्नी को कुछ हो गया, मर्द जैसा मर्द ढीला हो जाता है, क्या हो गया, बूढ़ा बाप बीमारी भोग रहा है तो बेटे को बुखार आ जाता है, पिताजी बीमार है, पिताजी बीमार है,
तादात्म है, अनभिस्वन। तुम पुत्र दार और गृह आदि से असंग बनो। बहुत कठिन है हाँ, समझाना तो आसान। तो असंग बने तो छोड़ दे, नहीं, सेवा करो, तादात्म मत करो, सेवा करो। बेटा है पालो पढ़ाओ, शादी करो, उसका घर ठीक से चलने दो, उसको आशीर्वाद दो, लेकिन एक मत बनो। जित कितना ही एक बनोगे, एक दिन छूट कर जाना पड़ता है। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो एकता हो गई है, जूठी वस्तु से जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, भगवान बचाए, छूटत कठिन नहीं। आप सुनते हैं ना, घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो रोने वाले घर वाले क्या कहते हैं, हम मर गए। तुम नहीं मरे, वो मरे, लेकिन तुम्हारा तादात्म्य बुला रहे, हम मर गए। पैसा लूट जाते हैं तो लोग कहते हैं मर गए। तुम नहीं लूटे गए, पैसे लूटे गए। मकान जल जाता है तो कहते हम जल गए। अरे तुम कहां जले, तुम्हें तो अभी जलाना है। तादात्म पुत्र दार गृहादिशु, क्या कृष्ण लाते हैं, अनोखी बात है। इनसे तादात्म हटे, रहना तो सबके साथ, सेवा करो, खूब सेवा करो, मां की, पिता की, पत्नी को राजी रखो, पुत्रों को वात्सल्य दो, सबको ऐसे लगे कि मेरे बापूजी ने मुझे जितना प्यार दिया इतना किसी ने नहीं दिया। लेकिन अंदर से तुम अनभिस्वंग रहो। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी से सराबोर है लेकिन एक बूंद भी पानी को ग्रहता नहीं है, पुत्र में, पत्नी में। दार का अर्थ यहां पत्नी है, दारा यानी स्त्री, स्त्री के अर्थ में है। लेकिन दार का कभी कभी शास्त्रों को, मैं कल भी कह रहा था ना, स्त्रियो वैश्या शूद्र की जो बात गीता में आती है, तो केवल स्त्री शब्द का अर्थ मातृ शरीर ही मत किया करो, वरना आप शास्त्र को अन्याय कर रहे हो। दार का अर्थ केवल स्त्री नहीं, शायद किसी को हो कि यहां कृष्ण केवल पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए कुछ कहता ही नहीं। दार का अर्थ, दार शब्द तो पुरुष के लिए भी लगाया जाता है। पहरेदार क्या है, पहरेदार पुरुष होता है ज्यादातर, और घर में पहरेदार पुरुष ही होता है, अनपेड सर्वेंट, बिना तनख्वाह का नौकर पहरेदार होता है। तो दार शब्द का केवल केवल लिंग आधारित मत किया करो। हाँ, लोगों की आसक्ति स्त्री शरीर में रहती है, इसलिए शास्त्रों ने जरूर सावधान किया है, क्योंकि आसक्ति का केंद्र स्त्री बन गई ना। इसलिए शास्त्र में जो शब्द आता है उसको संभलकर अर्थ करें। इसका मतलब यह है, पुरुष को स्त्री में और स्त्री को पुरुष में ऐसे रहना चाहिए कि जल में कमल रहता है। पुत्र को खूब पढ़ाओ, बड़ा करो, उसकी तुम्हारा दायित्व है, तुम करो, सबकी सेवा करो। मुझे कल एक प्रश्न पूछा गया रात को, जिंदगी का मतलब क्या है। जिंदगी तुम्हें दी है तो कोई मतलब भी हो सकता है। यहां गोविंद किसी को बेमतलब कुछ नहीं देता, यहां कारण के बिना कार्य कभी नहीं हुआ है, कारण होता ही है, और कारण सामान्य होता है, कार्य बड़ा जटिल होता है, कारण से कार्य कठिन, गोस्वामी जी कहते हैं।
तो जिंदगी परमात्मा ने दी है, कभी कर्मानुसार कभी करुणा करके। तो इसका मतलब यह है जिंदगी का कि तुम को यहां भेजे गए हैं, इसके पीछे भगवान का कोई उद्देश्य है कि तुम जाओ। और इसमें भी मनुष्य बनाए हैं, आपको कीट भ्रंग भी बना देते, चीटी बना देते, चूहा बना देते, कुत्ता बना देते, लेकिन मनुष्य बनाया है तो कुछ और दायित्व देकर बनाया है कि आप मनुष्य जीवन में सबकी सेवा करें। अपने आप को तादात्म से बचाते हुए सबकी सेवा करें। ये जीवन सेवा के लिए मिला है। यहां सूरज सेवा करता है, यहां नदियां सेवा करती हैं। परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय सदैव कार्य। यहां सब सेवा के उपकरण है। ये धरती सेवा कर रही है, सूरज सेवा कर रहा है, इनसे पाठ लो जीवन का मतलब है। आए हैं, नाराज मत हो। कई लोग कहते हैं भगवान ने क्यों ऐसा जीवन दिया, इससे तो जीना यहां तो नहीं। बड़ी करुणा से मिला है ये वरदान, इसको श्राप मत समझो, वरदान समझो। सेवा करो, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, मुझसे जितना हो सके मैं सेवा करूं। और सेवा उसको कहते हैं जिसमें प्रतिफलन की कोई आशा ना हो, जिसमें दूसरा भी मुझे कुछ करे। वो तो व्यापार है, वो कोई सेवा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा सौदा है, आध्यात्मिक सौदा है। और क्या, हाँ तुम व्यापार दुकान में शेयर बाजार में सौदा करते हो, और आध्यात्मिक लोग ऐसा सौदा कर लेते हैं कि तुम हमें ये दो तो हम तुम्हें ये दे। हाँ, सेवा का अर्थ है बस करो करो। एक गलत सूत्र किसी ने दिया कि करे सेवा तो मिले मेवा। सेवा में मेवा हो सकता है, हाँ आजकल की सेवा में जरूर मिलता है, लेकिन सेवा धर्म तो बहुत कठिन बताया मानस में। हाँ, जीवन का मतलब है मेरे भाई बहन, प्रभु ने भेजा है तो कोई कारण तो होगा। हाँ, और वो बेड़ा चालाक है, कभी कभी एक महीना भेजता है और मार देता है। इसका मतलब ये कि हिसाब पूरा कर दिया और ले लिया। कई बच्चे एक महीने के बाद मर जाते हैं, कई नौजवान जुवानी में चले जाते हैं। कुछ हेतु होगा इसके पीछे। तुम्हें जुवानी दी है, तुम्हें सुंदर शरीर दिया है, तुम्हें मन दिया है, सोचने की बुद्धि दी है। करो सेवा, ये जीवन का एक सुंदर अर्थ है सेवा के लिए। तो पुत्र की, पत्नी की, गृह घर आदि की, जमीन, पैसे, पदार्थ, पशु पक्षी, गृह आदि का अर्थ है बहुत सी चीजें जो हमारे घर में हम बसाते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, पदार्थ, मोटर कार, पैसे, तिजोरी, अलमारी, कपड़े, सब गृह आदिशु, गृह आदि, घर से जुड़ी हुई सभी बातें। इनसे आप ऐसे रहें कृष्ण उसको ज्ञान का लक्षण बताते हैं। नित्यं च समचितत्व निष्ठोपपद्येषु। ये पूरा एक सूत्र है। इष्ट की प्राप्ति या तो अनिष्ट की प्राप्ति में सदैव जिसका चित समत्व को धारण करता है। प्रिय वस्तु मिले कि अप्रिय वस्तु मिले, लेकिन चित विक्षिप्त न हो। तुम्हारा चित विक्षिप्त हुआ कि तुमने परमात्मा को गवाया। जैसे समंदर के पानी में कंकड़ गिरा, तरंग पैदा होते ही चांद उसमें ठीक से दिखाई देता बंद हो गया, चांद भी हिलने लगा। पूर्णिमा का चांद बिल्कुल धरा पर उतर आया था, तुम्हारे करीब उतर आया था, जो आसमां में था बिल्कुल नगद शत प्रतिशत उतरा था झील के पानी में, और तुम उसको
नयनों से आनंद ले रहे थे। जैसे ही कंकड़ गिरा, तरंग हुई और चंद्र दिखाई देता बंद हो गया, वैसे चित्त समत्वम योग उच्यते। समता की बहुत चर्चा गोविंद ने की है मानस गीता में। कोई भी घटना, इष्ट वस्तु की प्राप्ति या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, दोनों में चित्त का समत्व बना रहे, वो ज्ञानी है। बहुत सुंदर। सुख हर्षई दुख जड़ बिलखा है। सुख आया हर्षित हो गया, दुख आया दुखी हो गया, उसका काम नहीं है। प्रिय वस्तु के मिलने पर सुख हो जाए, संतोष हो जाए, हाँ, अच्छा लगने लगे, अप्रिय वस्तु मिलने से दुख हो जाए, शोक हो जाए, उद्विग्नता पैदा हो जाए, वो ज्ञान का लक्षण नहीं है। इष्ट अनिष्ट जो भी मिले उसमें नित्य समचित बना रहे। बहुत कठिन है, हाँ, व्याख्या बड़ी सरल है, बड़ा कठिन, लेकिन अभ्यास से बहुत जटिल नहीं है। अभ्यास करो। पहले पहले आप साइकिल सीखते हो तो आपको कितना जटिल लगता है, आपको लगता है कि इससे तो अच्छा एवरेस्ट शिखर चढ़ जाए, ये साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल है। कोई चला लेता है खुले हाथ तो लगता है क्या कमाल दिखा रहा है। शुरू शुरू में जब आप साइकिल सीखेंगे, हाँ, दो पहिए पर ऐसे ही चलना कमाल है, लेकिन आप अभ्यास करते करते ऐसे सीख जाते हैं कि छोटी पगडंडी में भी बिल्कुल मर्यादा से चला लेते हो। हाँ, अभ्यास से क्या नहीं होता, इसलिए कृष्ण अभ्यास शब्द का प्रयोग करते। अभ्यास से तुम करो, अभ्यास बनाओ। धनंजय, अभ्यास बड़ा प्यारा शब्द। एक कथा भी क्या है, अभ्यास है तुम्हारे लिए, एक अभ्यास कराया जा रहा है। हाँ, कोई भी वस्तु मिले इससे राजी नहीं होना, कोई भी वस्तु चली जाए इससे नाराज मत होना। तुम्हें वस्तु राजी और नाराज करे तो तुम्हारा व्यक्तित्व दो कौड़ी का है, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हें वस्तु राजी करे, और कमाल है पूरे संसार में लोगों को 100 रुपये की नोट राजी कर देती है, और 100 रुपया गया तो नाराज हो जाता, मर गया मर गया। कई लोग तो दिन में 50 बार मर गया बोलते हैं, तो उसके लिए फैसला करना पड़ता है कि जीवित है कि संसार की वस्तु राजी कर दे तो क्या व्यक्तित्व। एक बात सूत्र के रूप में समझ में आए, हमारे अनुभव में उतर रहा है, इसलिए बोलते हैं तो स्वीकार। संसार की सभी चीजें हमारे सुख के लिए प्रभु ने नहीं बनाई है, इस चीजों से तुम संसार की सेवा करो इसलिए बनाई है। पत्नी तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। सब उपकरण सेवा के लिए, सेवा करो बस। सेवा करने से या तो कुछ मिला उससे हमें सुख मिले, ऐसा उद्देश्य मत रखो, उद्देश्य केवल सेवा का रखो। मन का अभ्यास ऐसा बनाओ कि मन कहे और हम रोने लगे, मन कहे और हम हंसने लगे, मन कहे कि चलो वहां तो हम चल दें, मन कहे कि बैठ, नहीं, हमको मन कहे ऐसा हम नहीं करें, हम मन को कहे ऐसा मन करें, तो इष्ट अनिष्ट में समचित हो सकते हैं आदमी। और क्यों क्यों समचित नहीं हो सकते हम, क्योंकि इष्ट के प्रति हमने पहले से ही निर्णय कर लिया कि वो सुख देता है, अनिष्ट के प्रति पहले से ही निर्णय किया कि वो दुख देता है। ये तुम्हारा खोटा निर्णय है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस सपने को चूर चूर करना पड़ेगा, ये झूठा निर्णय है। एक वस्तु मिले तो सुख मिले, ये धारणा ही उससे विपरीत वस्तु मिलेगी तो दुख दे देती है, सीधी सी बात है।
यहां जो मिलता है बस सुख, इसलिए अच्छी वस्तु इसलिए मिलती है कि तुम अच्छी वस्तु बांटो, सबकी सेवा करो, और खराब वस्तु अनिष्ट इसलिए मिलता है कि तुम संसार में फंस न जाओ, इसलिए अनिष्ट मिलता है। दोनों उपकार है कुदरत का, दोनों ओर से वर्षा करता है भगवान। अनिष्ट इसलिए मिलता है कि तुम राग से बच जाओ, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। हाँ, रोग क्यों आते हैं? जब आदमी के शरीर में रोग आता है तो उसका राग अपने आप कम हो जाता है, राग को मिटाने के लिए रोग आता है। एक महात्मा के पास एक आदमी गया और कहने लगा, बाबा मेरा पूरा भवन टूट गया, एक दीवार टूट गई, ऊपर का आधा छपड़ा उड़ गया, ये हो गया। बोले नाचो, उत्सव मनाओ। क्यों? कि पहले तो खिड़कियां थी ना, हाँ, तो सूरज की रोशनी और हवा कम आती थी, अब तो चारों ओर से हवा और सूरज की रोशनी आएगी। जब शरीर में कुछ अनिष्ट हो, घर में कुछ अनिष्ट हो, तो समझो दीवार गिरी, अब भगवान के ज्ञान का प्रकाश और वैराग्य की हवा ज्यादा आ सकेगी हमारे जीवन में। ये ज्ञान और वैराग्य को आने के लिए अवसर देता है प्रभु। स्वीकारना बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव कर लिया ना, इसलिए मुश्किल है। चुनाव न करो बस। चुनाव करने से वासना हो जाती है, और वासना फिर चक्कर में डाल देती है। इसलिए चुनाव न करो। यहां हमें आना है, जरूर आना है, धरती पर बार बार आना है गोविंद का स्मरण करने के लिए, लेकिन हम ऐसी वासना ऐसे ममत्व में न बंद कर जाएं कि पुनः उस संसार के कीचड़ में ही हम फंसे रहे। हमें ताजा तरोजा बनकर यहां आना है, हमें नया जीवन साफ सुथरा पाना है। इसलिए समत्व याद रखे, समचित को याद रखे। कहीं भी थोड़ा भी राग हो गया तो बंधन लग गया, असमानता आएगी, विषमता प्रकट हो जाएगी। बंधो ही वासना बंधो योग वाशिष्ठ, बंधो ही वासना बंधो योग वाशिष्ठ में लिखा है। वासना ही बंधन है, वासना ही तेरा बंधन है। मोक्षः साद वासनाक्षयः, वशिष्ठ जी बोले हैं मोक्ष क्या है, वासना से, ममत्व से, रागों से मुक्ति ही मोक्ष है। और बंधो ही वासना बंधो मोक्षः साद वासनाक्षयः, योग वासिष्ठ का सूत्र है। वासना एव संसार इति सर्वां त्यज्यतां ताः, अष्टावक्र गीता। एक ही सूत्र, अष्टावक्र वशिष्ठ सब एक ही भाषा में बोल रहे। वासना एव संसार, वासना ही संसार है जनक, इति सर्वां त्यज्यतां, सब छोड़, वासना का विनाश कर दे, तेरा समत्व सिद्ध हो जाएगा। वासना प्रक्षयो मोक्षः, भगवती श्रुति। वासना को धोना ही मुक्ति है, भगवान वेद ने घोषणा की है। वासना प्रक्षयो मोक्षः, वासना को समाप्त कर देना, वो ही मुक्ति है। श्रुति वाक्य है, अध्यात्म उपनिषद का वाक्य है, बड़ा सुंदर वाक्य है। वासना का प्रक्षालन हो जाए उसको ही श्रुति मोक्ष कहती है। लेकिन कैसे मिटे? बहुत ठंडी पड़े ना तो मच्छर कम हो जाए, ऐसा है ना भाई? बहुत बारिश हो तो मच्छर बढ़ जाए, और कड़ी ठंडी जहां होती है वहां मच्छर नहीं। केदार में मच्छर मिले थे आपको? किसी को मुलाकात हुई हो तो बताओ, हमारे तो, हमसे तो मुलाकात नहीं हुई। बहुत ठंडी, मशक दंश बीते हिमत्रासा, मशक दंश हिमत्रास से छुट जाता है। तो ये वासना क्या है?
बहुवासना मसक हिमराशि। उपासना इतनी करो, उपासना की ठंडी, उपासना करते करते शून्य सेंटीग्रेड से भी नीचे चले जाओ कि बर्फ हो जाए, कड़ी सर्दी हो जाए और वासना के मच्छर मर जाए। वासना का प्रक्षालन भगवती श्रुति कहती है मोक्ष है। बंधो ही वासना बंधो, वशिष्ठ भगवान बोले हे राघव हे राम, यही वासना ही बंधन है, वासना का क्षय ही मुक्ति है। तो किसी वस्तु में हमारा जो आग्रह है राग बन जाता है, इसलिए वासना बन जाती है और ये ममत्व कई बार हमको भटकाता रहता है। उर बहु प्रथम वासना रही, क्या घोषणा की है विभीषण ने, सरित सब भगवान की प्रीत में, भगवान के भजन में, भगवान की उपासना में सागत इतना डूबे कि उसका क्षय बह जाए, चली जाए, हाँ बह जाए। तो मेरे भाई बहन, ज्ञान का ये लक्षण है इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त अलोल बना रहे। और जिस वस्तु का संयोग सुख देता है उसका वियोग, उसका परिणाम दुखी देता है। हाँ सीधी सी बात है, संसार का संयोग दुख देता है और परमात्मा का वियोग दुख देता है, ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए हमें कुछ भी मिले, हम अपने चित्त की दशा को सम रखने का अभ्यास करेंगे। इसलिए सद्गुरुओं के पास बैठेंगे, सद्गुरुओं को देखेंगे कि विषम परिस्थिति में ये आदमी का वर्ताव कैसा है, कैसे जीता है ये। हर चेष्टा सद्गुरुओं की देखो, केवल पैर पूजना पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को देखे आप कि वो कैसे जीता है, उसका जीवन जीवनचर्या कैसी है, इससे बहुत मिलेगा। कृष्ण है विश्व का गुरु, इसलिए अधिकार के साथ ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो मेरे भाई बहन, आज इतनी चीजें याद रखे, असक्ति सब, वैसे तो एक के साथ एक सूत्र जुड़ा हुआ है, कोई जड़ है, कोई थड़ है, कोई शाखा है, कोई पत्ते हैं, कोई फूल हैं, कोई फल हैं, कोई रस हैं, लगे हुए एक से एक जुड़े हुए। आसक्ति रखो, पुत्र दार गृह आदि में असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा ये भाव पैदा हो, और मेरा ठाकुर मुझे जिस स्थिति में इष्ट दे अनिष्ट दे, मैं मेरे चित्त को विचलित नहीं होने दूंगा। मेरा चित्त चित्त चोर के लिए है, उसको दूसरा चोर ले जाए वो मुझे मंजूर नहीं। मेरी तिजोरी से मेरा बेटा पैसा ले ले तो चल सकता है, लेकिन दूसरे की मजाल नहीं, वो मेरी तिजोरी से ले। मेरा चित्त कन्हैया चुरा ले तो मुझे मंजूर है, लेकिन संसार चुरा ले वो मुझे मंजूर नहीं है। ये भाव दृढ़ होना चाहिए। गोविंद चुरा ले विक्रे तो कामा, मुरारी पादार पित चीत वृत्ति दध्यादिकम अवसाद गोविंद दामो धर्मा गोविंद दामो धर्मा। आप कहेंगे कि चित, लेकिन ये गड़बड़ी तो चित की है ना, बड़ी मुश्किल चित की है। हाँ
वित्त और चित दोनों बड़ा परेशान करता है। वित्त यानी पैसा, हाँ? जिसको चित्त की जरा भी चिंता नहीं उसको वित्त परेशान करता है, और जो वित्त से भागा है वो चित्त से दुखी है कि चित्त कब निरोध हो। और पतंजलि तो उसको ही समाधि बोलता है, चित्त वृत्ति का निरोध ही समाधि है। चित्त को लगाए रखो, राम राम रटो ना तो चित्त न लगे तो एक प्रयोग करो, एक बार राम बोलो और दूसरी बार राम बोलो, उसके बीच में कम जगह रखो। चित लगाने की एक जापकों के लिए व्यवस्था है ये जप के लिए एक क्लास लेना चाहिए कि जप कैसे करे, बहुत आवश्यक लग रहा है मुझे कि जप कैसे करे। जप वाणी से भी करो और भीतर मन से भी करो। आपको बताऊं थोड़ा, हाँ अच्छा लगता है आपको कि बोझ लगता है? ऐसा तो नहीं लगता कि ये क्या भारेपना चल रहा है, गेंद ऊपर से तो नहीं जा रही है? बताऊं? हाँ भाई, जब जब करने बैठो ना, ये पहला पहला प्रयोग है, बाद में तो सहज हो जाएगा। हाँ ये साइकिल सीखने की बात है, पहले अभी आपको सीट पर बिठाया है, हैंडल पकड़ा, आप टेढ़ा बैठा है, पहले पहले बैठता है, देखो सीधा नहीं बैठता, ये क्यों ऐसा है? उसका फोटो लेने जैसा होता है, कमर इधर, कोई नृत्य की अदा में होता है, ऐसा क्यों समझ में नहीं आता? सीधा बैठना भाई, गाड़ी पर सीधा बैठता है, साइकिल पर क्या होगा, हुआ है दो आदमी ने तुझे दोनों ओर से पकड़ा, फिर भी मैं देखता हूं तो बिल्कुल विचित्र लगता है वो। जब जप करो, नियम सर जप करो ना, तो पहले एक काम करना, शांति से सुखासन में बैठना, कोई जटिल आसन में नहीं, पैर दबाना ये करना, इससे आप थक जाओगे, शरीर की पीड़ा आपके मन में विक्षेप करेगी, इसलिए कृपया जड़ता में मत जाना। जैसे आपको अच्छा लगे, पैर लंबा कर, आसन लगा कर, जैसे भी आपको अच्छा, सुखासन, आप जिस स्थिति में बैठने के बाद आपके शरीर को कष्ट न हो वो आपका सुखासन है, सहज आसन, सहज बैठो। और शुरू में जप करने से पहले कुछ समय, 2-5 मिनट, ज्यादा हो तो पहले शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा भी करना होता है, सांस को बाहर निकाले, श्वासोश्वास में सांस ले तो लेना तो पड़ता है, लेकिन जब निकाले तब जोर से निकाले, बहुत बार 5-7 मिनट अभ्यास करो। और ये अभ्यास इसीलिए कि सांस, जब उस सांस बाहर निकलता है तब ऐसा चिंतन करो कि संसार बाहर जा रहा है, संसार बाहर जा रहा है, संसार खाली करो, अंदर भीतर को खाली करो, फिर जप करो। थोड़ा समय लगेगा, हाँ ये जल्दी आज आज सुबह आप कल रात को शुरू कर दे और फायदा ना हो तो हमारे पास शिकायत मत करना। गर्भ में बालक 9 मास रहता है तब प्रसव होता है, और ये तो आध्यात्मिक प्रसव है, उसमें कभी बात बनी तो बन गई, वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराए, ऐसा भी हो सकता है। प्रयोग करना, बैठ जाना, आज 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 से ही शुरू करो, जब मौका मिले बैठो, बड़ी लंबी सांस को बाहर निकालो और मर्यादा में निकालना, पूरी ना निकल जाए, ऐसा ख्याल ख्याल करो, ये खतरे वाला मामला है, दीर्घायु करे भगवान सबको। फिर राम राम का जब, राम राम तो मैं बोलने के लिए बोल, आपका जो मंत्र हो हमें क्या आपत्ति है, और शांति से जप शुरू करो राम राम, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं, स्पीड में भी नहीं, और इतना दो मंत्र के बीच में जगह भी न रखो कि चित्त को विचलित होने का अवसर मिले। अनुसंधान, ताता लगा, एक के बाद एक, धीरे 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 धीरे। और एक बात ये है, ये जप के महापुरुषों के सब साधन है, कोई मेरे जेब की बातें नहीं है मेरे पास, हाँ मेरे अनुभव में जरूर आई है, लेकिन ये बात
महापुरुषों की है, संतों की है। मैं तो एक टपाली की तरह आपके सरनामे पर खत पहुंचा रहा हूं, आपके नाम आया मनीऑर्डर आपको दे रहा हूं बस। तो जगह न बचने दे, ये ध्यान रख। और राम बोलो, उसके बाद दूसरी बार राम बोलो, तो केवल बोलो ही नहीं, जो पहली बार आपने राम बोला वो सुनो भी, मंत्र को सुनो भी, सुनते भी चलो। कृष्णा सुना, कृष्णा 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 कृष्णा, सुनते चलो, सुनते चलो। और सुनने से क्या फायदा होगा कि एक स्थिति ऐसी आती है कि यहां जीभ भी बोलती है और भीतर मन भी बोलता है कृष्णा 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 कृष्णा। और ऐसी अवस्था में तुम चाहो तो भी कृष्ण से दूर नहीं हो सकते, तुम लाख चाहो यू कांट, तुम्हारे तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम फिर हट सको, दूर हो सको। चित्त को ऐसा अभ्यास करो, चित्त वृत्ति का निरोध हम जैसे सामान्य आदमियों के लिए सुलभ नहीं है, इसके लिए तो संयम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान कितना करना पड़ता है, इस सब के लिए थोड़ा सुलभ है मेरे भाई बहन। संसारियों के लिए, संसार में डूबे लोगों के लिए ये मार्ग बड़ा सरल है। अभ्यस्त करो चित्त को, चित्त मंत्र बन जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आती है कि आदमी सो जाता है तो भी मंत्र चलता रहता है। अर्जुन के बारे में कहा जाता है वो सोता है तब भी रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोलता है, सोता है तब भी बोलता है। विभीषण भी सोने में भी बोलता होगा तभी तो जागा, तब राम राम कहकर जाता है। एक एक ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसी चित्त की दशा हो जाने के बाद फिर कोई चिंता नहीं। तो ये कलयुग, भारतवर्ष, मनुष्य देह, और जब कथा का युग चल रहा है, कथा का एक काल चल रहा है, सत्संग के प्रति लोगों की बहुत रुचि है, जिस काल में जिस समय में ऐसे समय में हम सब हैं, तो ये अवसर को चुकना मत। कोई सदगुरु तुम्हें सौम्य कह सके ऐसी भूमिका पर पहुंचने के, इस अवसर को गंवाना मत। दुर्भागी होता है जो गंवा दे, और उसका बांक दोष नहीं, प्रारब्ध ऐसा होता है इसलिए छूट जाता है, प्रारब्ध नहीं होने देता। कई लोग कहते हैं हम कथा नहीं सुनते, हम कथा में नहीं जाते, वो उसका बस की बात नहीं, उसका नसीब फूटा हुआ है। हम सत्संग में नहीं जाते, हम कीर्तन नहीं करते, हम ज्ञान चर्चा में नहीं जाते, वो उनका बस की बात नहीं, प्रारब्ध फूटा है। वरना तो मिला है सब, क्यों चुके जा रहे हैं, नसीब ऐसा होता। एक राजा की नगरी में सब लोग करोड़पति थे, बोलो सब करोड़पति, तो राजा तो खबर नहीं कितना क्या होगा। हा? पूरा नगर धनपति करोड़पति था, कोई परिवार ऐसा नहीं कि जिसके घर में करोड़ रुपये ना हो। लेकिन बड़ी मुश्किल बात यह थी कि एक आदमी ऐसा था जो बिल्कुल गरीब था। कारण यह था कि वो जो कुछ करता उल्टा पड़ता था, जो भी करे उल्टा ही होता था। एक बार वजीर ने राजा को कहा कि पूरा नगर करोड़पति है और एक आदमी ऐसा है, वैसे प्रारब्ध का मामला है पता नहीं, जो भी करता है उल्टा ही होता है, गंवाता ही है, जब दुनिया खरीदती है तब ये बेचता है, बड़ा उल्टा चलता है, क्या मामला है, जिसमें हाथ डालता है मार खा जाता है। और पूरा करोड़पति नगर हो और एक ऐसा हो तो हमारे नगर के लिए ठीक नहीं माना जाए, और
तुम तो करोड़पतियों के भी करोड़पति है, क्या फर्क पड़ता है उसको करोड़पति बना दिया जाए। बोले बड़ी अच्छी बात है, हमारे राज्य में एक आदमी ऐसा रहे तो हमारे शोभा की बात नहीं है, हमारे लिए कलंक माना जाएगा, जल्दी तुरंत आप व्यवस्था करें। रुपये का थैला रख दिया और राजा वजीर दोनों पुल के सामने वाले छोर पर छिप कर बैठ गए कि मेरा पूरा नगर आज करोड़पति हो जाएगा। और समय पर वो निकला भागा, पूरा नगर करोड़पति, और खबर नहीं क्या प्रारब्ध लेकर आया था वो। और पुल पर जैसे चढ़ा आंखें बंद कर दी, पुल पार कर लिया। राजा ने वजीर को कहा कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्यों आंखें मूंद कर जा रहा है, आज इतनी राशि हमने रास्ते में डाली और ये आदमी, पकड़ो उसे। पुल पार कर गया और पकड़ा, क्या बात है कि बहुत दिनों के से योजना बनाई थी कि पुल पर आंखें बंद कर चलना, लेकिन बड़ी भीड़ लगी रहती कैसे चलूं, आज रास्ता साफ था, मौका मिल गया, उम्मीद पूरी हो गई तो आंखें बंद कर निकला, जब राशि थी तब आंखें बंद कर दी। परम धन की उपलब्धि का कली काल है, उसमें आंखें मत मुंदना मेरे भाई बहन, वरना ब्रिज तो पार कर पाओगे लेकिन खाली हाथ कर पाओगे, संसार तो छोड़कर जाओगे लेकिन परम धन को चुक जाओगे। अभागा है जो आंखें मूंद ले, भाग्यवान है जो आंखें खोल कर चले। उसने व्रत लिया था एक बार पुल से निकलेंगे आंखें बंद करके देखेंगे। राजा ने कहा मूर्ख, ये आज ही तुझे सूझा कि नहीं, योजना 6 मास पहले की बनाई थी, लेकिन तुम्हारे नगर में भीड़ कहां कम होती है, रिक्शा गाड़ी ये, इसमें आंखें बंद कर चले तो मर जाए, आज मौका मिल गया, मालिक ने उम्मीद पूरी कर दी। ऐसी उम्मीदों में हम ऐश्वर्य को गंवा देते हैं, इसलिए मेरे भाई बहन मौका मत चूको, आइए हरि नाम का आश्रय करें। वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री सब गाइए श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, हरि बोल श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी बलिहारी, श्री वल्लभ
श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री हारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री हरि श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी बलिहारी श्री वल्लभ विठल यमुना जी की बलिहारी श्री विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल धारी यमुना जी की बलिहारी श्री हरि बोल
श्री वल्लभ गिरधारी ना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी 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 वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी कीर्तन का एक अर्थ है। कीर्तन शब्द को बिलक करके साहित्य में एक अर्थ मिला है। कीर का अर्थ है साहित्य में कर्ता, जो सृष्टा है, जो करता है। और रहो रहो रहो, अभी देर है, कहाँ जाते हो बोला? आप है तो अच्छा लगता है। हाँ, हमारी महफिल में बैठ कर देखो तो पता लगेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कीर का अर्थ है सृष्टा, कीर का अर्थ है कर्ता, कर्ता यानी परमात्मा, और तन का अर्थ है शरीर। जिस घटना से शरीर के अंग अंग में भगवान भर जाए उसके नाम कीर्तन है। कीर्तन की व्याख्या इसलिए जय हो। ऐसी बात है, अब जाना नहीं है ना। आ गए हैं तो रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मा, रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मा, रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मा,
रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम महारास रमे वालो मारो वृंदावन धाम महा एक एक गोपी यने एक एक कान एक एक गोपी यने एक एक कान एक एक गोपी एक एक गोपी एक कान एक एक गोपी एक रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मा रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो एक एक गोपी अने एक 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 गोपी अने एक 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 गोपी एक एक गोपी अने रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मारा रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो गोरी गोरी गोपियों ने काला काला कान गोरी गोरी गोपियों ने काला काला कान गोरी गोरी गोपियों ने काला काला कान गोरी गोरी पर घट घट फेर फेर नद्वार नाचे हलो पर घट घट फेर फेर नद्वार नाचे हलो पर घट घट फेर फेर अष्टनाव निधि दे वंश में वृद्धि दे पाक बानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे संभुरानी मारा दुख को दूर कर सुख भर पूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी सूजन से गीत दे चंदमा जीत दे श्री भवानी हरो चंदमा जीत दे श्री भवानी वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम
एक एक गोपी अने एक था एक एक गोपी अने रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम गोरी गोरी गो गोरी गोरी गोपी जी गोरी गोरी गोपी सुहास मन मन दंपति जुत दंद दंद जगत वंद डोले नटवर नाचे घट घट फेर फेर नटवर नाचे जटा पटा नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामि नास्तधामदं निकाम श्याम सुन्दरं भवामुनाथनन्दनं प्रफुल्लकञ्चनलोचनं प्रभो प्रमेय वैभवम् निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोक नायकं धरम त्रिलोक नायकं धरम त्रिलोक रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम एक एक गोपी अने एक एक गोपी अने एक गोपी एक एक गोपी अने एक एक अनेक एक एक गोपी अनेक एक कार 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 एक गोपी अनेक एक कार गोरी गोरी गोपियों में काला काला कान
काला काला कान गोरी गोरी गोपियों ने काला काला शान गोरी गोरी गोपियों ने काला काला कान गोरी गोरी गोपियों ने काला काला शान दास रमे वालो मारो वृंदावन धाम रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां गोरी गोरी गोपी काला काला हेलो बोलिए वृंदावन विहारी ला श्री गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री वल्लभाधीश की रण छोड़ रा द्वारिकाधीश हर हर महादेव वल्लभ विठल गुरुदास यमुना श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी श्री वल्लभ विठल श्री वल्लभ विठल श्री यमुना जी की श्री यमुना जी की
यमुना जी तन हारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी श्री यमुना जी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहु सुताते दोष गुण मुनर हृदय विचार त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे कहूं सुता के दोष गुना निवर हृदय विचारे कहूं सुता के दोष परम विवेकी याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कह रहे हैं कि सती ने दक्ष यज्ञ में देह जलाकर भस्म किया, दूसरा जन्म हिमालय के घर उमा के रूप में पार्वती के रूप में पाया। भवानी बड़ी हुई तो एक बार घूमते घूमते नारद जी आ गए। कल सायंकाल हमने चर्चा की थी कि जब हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है तब सदगुरु स्वयं चलकर आ जाता है। श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी तो सदगुरु आएगा तो भी पहचान नहीं होगी। इसलिए सदगुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, श्रद्धा को पुष्ट करने की जरूरत है। सदगुरुओं से संसार खाली नहीं है। बीना बजाता अपना परिचय देता हुआ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ सदगुरु आया है हिमालय के द्वार। मैना और हिमालय ने नारद की पूजा की, अपनी बेटी उमा को बुलाकर प्रणाम करवाया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। करबद्ध प्रार्थना करते हुए नगाधिराज हिमालय ने नारद जी से प्रार्थना की, महाराज त्रिकालज्ञ सर्वत्र हृदय विचार। हे भगवान, है त्रिकालज्ञ है सर्वज्ञ, कोई क्षेत्र खाली नहीं जहां आपकी गति न हुई हो। मेरी बेटी इतनी बड़ी उम्र में मुझे मिली है, आप उनके हाथ की रेखाओं को देखकर उनके दोष गुण यानी उनके भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। उमा के हाथ को देखते हुए नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारी बेटी सुलक्षणी है, उनके कई नाम हैं उमा अंबिका भवानी वगैरह, ये तुम्हारी बेटी जगदम्बा बनकर पूजी जाएगी, तुम्हें माता पिता को यश और प्रतिष्ठा दिलाएगी, ये तुम्हारी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा। राजन तुम्हारी पुत्री पातिव्रत्य धर्म की आचार्या बनेगी और ऐसी पतिव्रता नारी के रूप में पूजी जाएगी कि संसार की महिलाएं तुम्हारी बेटी का व्रत करके पातिव्रत्य धर्म को निभा सकेंगे, तुम भाग्यवान हो। लेकिन राजन जब तूने पूछा है तो साफ साफ बता दूं, तुम्हारी बेटी के हाथ में एक दो रेखा जरा बिलग ढंग की है। महाराज
जल्दी बताइए तुम्हारी पुत्री को पति कैसा मिलेगा, वो मैं तुम्हें बता दूं। महाराज वो तो बहुत अगत्य का होता है कि बेटी को पति कैसा मिले, आप जल्दी बताएं। और श्री नारद जी इस उमा को कैसा वर मिलेगा उसकी चर्चा करने लगे, ऐसा पति उसको मिलेगा। अगुनय अमान मातु पितु हीना, 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 दासी उदासीन सब संसय छीना, उदासीन सब संसय छीना, उदासीन सब संसय छीना। तुम्हारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा जो अगुण होगा, अमान होगा, उदासीन होगा, जिसके कोई माता पिता नहीं हो गए, अजन्मा होगा, समस्त संशय उसके क्षीण हो गए होंगे, ये सब विश्वास के लक्षण हैं। विश्वास अगुण होता है, विश्वास निर्माण होता है, विश्वास का जन्म नहीं होता, श्रद्धा का जन्म हो सकता है, विश्वास अजन्मा है क्योंकि शिव है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, गोस्वामी जी शंकर भगवान को विश्वास के रूप में बता रहे हैं। तो तुम्हारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, जोगी जटिल अकाम तनु नगन मंगल बेश, अस स्वामी कर मिलही परिहास्त असलेक जोगे। नारद जी बता रहे परिहास्त असलेक, जोगी होगा, निष्काम होगा, जटिल जटाजूट होगा, अमंगल वेश होगा, दिगंबर रहता होगा, नग्न रहता होगा, ऐसा स्वामी तुम्हारी पुत्री को मिलेगा। हाथ में ऐसी रेखा है, सुनते ही दंपति को दुख हुआ है कि इतनी सुंदर बेटी और ऐसा पति मिले, लेकिन भवानी को खुशी हो गई। सुनकर भवानी ने समझ लिया कि नारद जी जो जो वर्णन कर रहे हैं वो शंकर भगवान को ही लागू होता है, जटिल अकाम नगन अमंगल उदासीन अजन्मा, ये सब शिव को ही लागू होता है, मुझे शिव मिलेंगे। भवानी की आंख में हर्ष के आंसू और माता पिता के आंख में दुख के आंसू आए, समझ नहीं कोई पाया। मानसकार कहते हैं, हिमालय ने नारद जी को कहा, बाबा आप कहे इतने अनुष्ठान व्रत धर्म वगैरह करें, लेकिन मेरी पुत्री को आपने बताया ऐसा पुरुष न मिले, कृपया। कहा राजन विधाता ने जो लिखा है इनमें कोई फेरफार नहीं कर सकता, सुनो। कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखालिना, देव दनुज नर नाग मेरे
हे राजन, विधाता ने जो लेख लिख दिया उसको मुनि नर नाग कोई नहीं मिटा सकता। मैंने जो वर का वर्णन किया वो तुम्हारी बेटी को मिलेगा ही, लेकिन एक बात हो सकती है। बोले क्या? मैंने वर के जो जो दोष कहे हैं वो मेरे अनुमान से, मेरी धारणा से भगवान शंकर जी के पास है, और यदि आपकी पुत्री को शिव मिल जाए तो दूषण भूषण बन जाएंगे, दोष गुण बन जाएंगे, तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारी पुत्री धन्य हो जाएगी यदि शिव मिल जाए तो, क्योंकि शिव समर्थ है। तो शिव मिल जाए तो फिर कोई दोष नहीं बचेगा, क्योंकि संसार में समर्थ को दोष नहीं लगता। गोस्वामी जी का प्रसिद्ध सूत्र, समर्थ कहूं रवि पावक सुर शरी के नाय, रवि पावक सुर शरी के नाय, रवि पावक सुर शरी के नाय। समर्थ को दोष नहीं लगता। ये चौपाई के बारे में बहुत सी चर्चाएं चलती रही संसार में, लेकिन हमको तो सीधी सादी बात समझ में आई कि बिल्कुल ठीक गोस्वामी जी ने लिख दिया कि वस्तुतः संसार में जो समर्थ होता है उसको कभी कोई दोष नहीं लगता। सुवर्ण कभी पुराना नहीं होता, अग्नि को कभी उद्धय नहीं लग सकती, कुछ भी हो अग्नि को उद्धय नहीं लग सकती, हाँ? सूरज को कोई मलिन नहीं कर सकता, सूरज में कोई धब्बा नहीं डाल सकता। समर्थ का नहीं दोष गुसाई, समर्थ का दोष रवि पावक सूर शरी किनाई, रवि पावक सुर शरी किनाई, रवि पावक सुर शरी किनाई, रवि पावक सुर शरी किनाई। तो सूत्र बिल्कुल सीधा साधा है, समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन हम इस चौपाई को अपने ऊपर लेकर अपने आप को झूठा समर्थ बना करके दोषों से छटकने की कोशिश करें, वो सूत्र का दुरुपयोग है। समर्थ का सीधा साधा अर्थ है उसी क्षेत्र में उससे आगे कोई नहीं है सिवाय परमात्मा। सूर्य के क्षेत्र में परमात्मा ही उनसे आगे, सूरज जो दिखाई देता है प्रकाश के क्षेत्र में सूर्य से आगे कौन है? वो समर्थ है। प्रवाह के क्षेत्र में, गतिशीलता के क्षेत्र में, नदियों के क्षेत्र में श्री गंगा जी से आगे कौन है? इसलिए श्री गंगा जी समर्थ है, और संसार में नारायण से आगे कौन है? इसलिए भगवान नारायण लक्ष्मीपति समर्थ है, और अग्नि से आगे जलाने वाला कौन है संसार में? इसलिए अग्नि समर्थ है। सेज जो अहि सेज सयन हरि करहि, जो हरि सेज सयन हरि करहि, छुति दोषण भारी, छुति दोषण भारी, छुति दोषण
जानो कृषाण सर्व रस खाहि भानु कृषाण सर्व रस खाहि भानु कृषाण सर्व रस खाहि भानु कृषाण सर्व रस खाहि भगवान नारायण सर्प की शैया पर सोते हैं, विद्वान लोग उसको दोष नहीं देते। अग्नि सब को भस्म कर देता है, सूर्य सब को शोष लेता है, लेकिन उसको कोई मंद नहीं कहता। श्री गंगा जी में शुभ और अशुभ दोनों बातें बहती हैं, लेकिन सुरसरी को कोई अपवित्र नहीं कह सकता, क्योंकि समरथ का तो जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता। बिल्कुल ठीक बात कही है, भगवान श्री कृष्ण समर्थ हैं, इसीलिए संसार के कल्याण के लिए कभी कभी असत्य बोल लेते हैं, बुलवा लेते हैं, फिर भी कोई दोष नहीं लगता। समर्थ है वो, समर्थ है इसलिए गोपियों के साथ रास में सम्मिलित हो सकते हैं, असमर्थ का काम नहीं है, समर्थ का काम। विदेशों में लोग पूछते हैं, तुम्हारा कृष्ण गोपियों के साथ नाचता था तो हम भी कोई स्त्रियों के साथ नाचे तो इसमें आलोचना क्यों होती है, निंदा क्यों होती है? कृष्ण भी नाचा था, लेकिन सोचना चाहिए कृष्ण गोपियों के संग ही नहीं नाचा था, एक बार काली नाग की फना पर भी नाचा था। पहले सांप के साथ नाच लो, उसके बाद ब्रजांगनाओं के साथ रास की मंजूरी मिलती है। जो काल को नाथ लेता है, काल दमन, कालीय दमन, काम दमन कई रूपों में बताया गया है भागवत काल में। ये कालीय दमन की जो बड़ी कथा है वो बहुत अर्थों में सार्थक है। पहले उनके शिर पर वो नाचे हैं, फिर वो गोपियों के संग नाचे हैं। हाँ? समर्थ को दोष नहीं है। दाया हाथ बाएं हाथ को पकड़ ले तो वो दोष नहीं है, अधिकार है। वैसे कृष्ण व्रजांगनाओं के साथ नाचते हैं तो दोष नहीं है, वो तो अपने ही रूपों के साथ खेल रहा था। समर्थ है, वो प्रतिज्ञा कर भी सकता है, प्रतिज्ञा तोड़ भी सकता है, समर्थ है। भगवान शंकर विष पी सकते हैं, लेकिन कोई दोष नहीं दे सकते उसको कि जहर पी लिया, कैसा आदमी है। और आज हम और तुम जहर पी जाए तो अखबार में फोटो आएगी कि आत्महत्या कर ली, कोई हमें नीलकंठ नहीं कहता कि ये शिव हो गया, श्मशान चला गया, मृत्यु हो। समर्थ लोग करने के लिए अधिकारी हैं मेरे भाई, इसलिए बहुत ऊंचाई पर पहुंचे भारतवर्ष के कई महापुरुषों के जीवन में आपको न समझ में आए ऐसी घटना देखे तो भी समझना वो तुम्हारी बुद्धि क्षेत्र के बाहर की घटना है, वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। तो समर्थ जो होता है उसको दोष नहीं लगता, सीधी सी बात। राष्ट्रपति के साथ आपकी मीटिंग हो, होने वाली नहीं है, लेकिन यदि हो
मान लो, हो भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। आप राष्ट्रपति के कोई बुलावे पर गए, राष्ट्रपति अपनी चेयर पर बैठे हैं, आप सब सामने बैठे हैं, और राष्ट्रपति उनमें एक मित्र को देख ले तो वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर मित्र के पास जाकर बैठ सकता है, लेकिन वो मित्र को अधिकार नहीं कि राष्ट्रपति की चेयर पर बैठ जाए। समर्थ को तुम्हारे पास आकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन सामान्य को उनमें जाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार कभी नहीं। इसलिए हम कभी कभी कहते रहते हैं धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन राजनीति को कभी धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, क्योंकि धर्म वरिष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए धर्म कह सकता है कोई चूक करे तो कि तुम ये गलत कर रहे हो। धर्म ने ही तो कहा था राम को, राम करहु सब संजम आजो, तुम्हें कल राज तिलक होने वाला है राम। वशिष्ठ जी ने कहा आज तुम सब संयम का निर्वाह करो। ये आदेश धर्म दे सकता है क्योंकि धर्म श्रेष्ठ है, तो वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता, कहीं भी जाकर बोल सकता है। आपने पुराने भारत को पढ़ा, पुराने भारत में ब्राह्मण किसी के घर में जा सकता था, कमाल है। क्यों? ब्राह्मण को हमने धर्म स्वरूप माना था कि ब्राह्मण धर्म का विग्रह। राजपूती काल में रजपूत भी घर में नहीं जा सकता, और घर की महिला राजपूती मलाजे में कभी सूरज को नहीं देख सकती थी ब्याह के बाद, चार दीवारों के बीच, वहां वायु भी बड़ी मुश्किल से जा सकता था, सूरज की किरणों तो कैसे पहुंचे। ऐसी मर्यादा और मलाजे में रही राजपूती संस्कृति में भी ब्राह्मण किसी के भी भवन में, अंतःखंड में प्रवेश कर लेता था, क्योंकि वो धर्म सत्ता थी, उस पर पूरा विश्वास राष्ट्र को था, इसको आने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमारे श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बनाकर विभीषण के आंगन में जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में कोई खतरा नहीं रहता था। राम लखन को देखकर उनके सामने भी गए तो ब्राह्मण का वेश बनाकर गए। ये हमारे यहां ब्राह्मण यानी धर्म, धर्म सत्ता। ब्राह्मण शब्द को केवल वर्ण रूप में मत लो, ब्राह्मण शब्द बड़ा अद्भुत है। जैन धर्म में एक शब्द है श्रमण, हाँ, और हिंदू संस्कृति में शब्द है ब्राह्मण, बड़ा बड़ा सुंदर शब्द है। श्रमण का अर्थ होता है श्रम करो, साधन करो, सामायिक करो, काल से तुलता है। पूरा जैन धर्म काल पर आधारित है और हिंदू धर्म आकाश पर आधारित है, उसमें काल, इसीलिए समय जैन धर्म में आता है, समय की तुलना होती है, काल के आधार पर महावीर चलते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति काल पर नहीं चलती, आकाश पर। क्यों? तुम कहीं भी जाओ, आकाश से कभी वियोग नहीं होता। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ, कहीं भी गया ब्रह्म को साथ लिए गया। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म रूप हुआ है, ब्रह्ममय बना है, ब्रह्म को जान चुका है। एक धर्म काल के आधार पर चल रहा है, एक धर्म आकाश के आधार पर। इसलिए गगन सिद्धांत हमारे उपनिषदों में आया है, गगन सिद्धांत है आकाश की तरह। ये हिंदुओं की अद्भुत देन है मेरे भाई बहन, आकाश की भांति। आप कहीं भी जाओ आकाश से वियोगी नहीं हो सकते कभी भी। इसलिए हमारे वेदांत में शब्द आया है चिदाकाश। हम कितना भी करें लेकिन ब्रह्म से विमुक्त नहीं हो सकते, हम ब्रह्ममय ही रह सकते हैं, ब्रह्म की छाया में ही हम पलते हैं। कहां श्रम कर किसको पाना है, ठीक है, बिना श्रम मिल जाए तो इसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए कुछ साधना के सोपान बताए, बाकी यहां कौन किसको गवाया है कि पाना है। यहां तो सदैव आकाश हमारी चारों ओर, घर में बैठे हैं तो एक घर का आकाश, घड़े में घट का आकाश, प्याले में प्याले का आकाश, दीवारें टूटी, आकाश आकाश में समा गया, आंगन महाआंगन बन गया। यह हिंदू धर्म की फिलसूफी,
श्रमण नहीं ब्राह्मण। इसका मतलब इस श्रमण की आलोचना नहीं है, इस मार्ग से भी जाना जा सकता है, जाया वहीं से भी जाता है, इससे भी जाया जा। सबने अपने आचार्यों ने, महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, बुद्ध आदि महापुरुषों ने अपने अनुभव से जो पाया वो बताया, लेकिन हिंदू आगे है, लीड कर रहा है हिंदू। ये तो निशंक, हम सब हिंदू हैं इसलिए हिंदू की सराहना नहीं है, इसको इस सत्य को कौन तोड़ सकता है मेरे भाई बहन, सत्य को कौन तोड़ सकता है। हैरान हो जाओगे आप, आकाश के साथ चलना काल के साथ नहीं, काल के साथ तो सीमा लग जाती है, आकाश के साथ तुम असीम से मुलाकात कर सकते हो। आपने देखा होगा गांवों में लोगों के हृदय बहुत विशाल होते हैं शहरों के लोगों से, क्यों? शहरों के लोग आकाश को ज्यादा नहीं देखते, देहाती लोग आकाश को ज्यादा देखते। 6 महीना आकाश के नीचे सोने का प्रयोग करो, तुम्हारा मन चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारी मानसिक अवस्था विस्तृत हो जाएगी। आकाश के नीचे सोना, देहातों में लोग फसल इतनी क्यों पकती है, आकाश के नीचे कमरे में फसल पकाओ, बड़ा ऑडिटोरियम बना लो और बाजरी बो दो, गेहूं बो दो, 1 मील लंबा एक मोटा सभागृह बना लो और उसमें खेती करो। होगी नहीं होगी, लेकिन एक कण का 1000 कण पूरे सृष्टि का विश्वंभर बनकर जो फसल पकती है वो खुले आकाश के नीचे पकती है, कमरे में नहीं पक सकती। इसलिए नगरों के लोगों के मन संकुचित होते हैं, गांव के लोग कुछ नहीं होता घर में फिर भी बड़े चौड़े दिल रखते हैं। इसलिए हमारे गुजराती में गाया है चुपड़ी, झूपड़िए कोई तो जाजो, ये ना मैं मान तो थाजो, झूपड़िए कोई तो जाजो, ये ना मैं मान तो थाजो, ए झूपड़िए कोई तो जाजो, ये ना मैं मान तो थाजो, झूपड़िए कोई तो जाजो, हजी हजी गामड़ा मां तमे जुओ मेहमान था त्या माणस, गुजराती में बोलू ओछा ओछा थी जाए, ये बिल्कुल तळपदी शब्द छे, कोक मेहमान आवे एटले माणस ओछो ओछो थी जाए, मारे घेर मेहमान आवे, हा हा मारे घेर भगवान आव्या, तमे क्यांथी मारे घेर, तमे शहर में क्या क्या रहा था? सब ठीक है? अरे सब ऐसा नहीं करते लेकिन ऐसा होता है। शहर में क्या होता है, हम किसी के घर जाएं ज्यादा ऐसा आप देखेंगे, किसी के घर जाएं बैठे 1 घंटा हो जाए और उठने की तैयारी करोगे तब घर वाला कहेगा आपने तो चाय बनाने का मौका भी नहीं दिया। अरे 1 घंटे से तो बैठा था मैं चाय के लिए, तूने कुदरत प्रेरणा नहीं करती, इसमें हमारा क्या दोष? आप जब भी आते हैं हमको सेवा का मौका ही नहीं, बस जाओगे आप इतनी जल्दी है? ठीक है आने वाले कहीं रहे हैं, आने वालों को जो पढ़िए कोई तो जा जो, हेल भरियाऊ उतावली रे, हेल भरियाऊ उतावली रे, हर खन मारे घेर मेहमान आया, मारे घेर में मान आया, मारे घेर में मान आया,
कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई बहन, आकाश जैसा सिद्धांत है हिंदू संस्कृति का। हिंदू संस्कृति सभी संस्कृति की जननी है, हिंदू संस्कार सभी संस्कारों का बाप है। सभी संस्कृतियां सभी सभ्यताएं इनसे पैदा हुई है। काल के संदर्भ में इतिहास के तौर पर देखें तो सबसे पुरानी सभ्यता विश्व में हिंदुओं की है। इसलिए हम इस संस्कृति को पुरातन नहीं कहते हैं, सनातन कहते हैं। वेद अपौरुषेय माने गए हैं। एक समय था वेद लिखने की किसी ने दरकार ही नहीं की, सुनता था वो सिख लेता था, तीसरा सिख लेता, घर घर में वेद पढ़े बालक निर्माण होते थे। इसलिए वेद के लिखने की व्यवस्था हमारे देश में नहीं रही, श्रुति बन गया वेद, सुनते सुनते सुनते। कब पैदा हुआ कौन कह सकता है, समय के संदर्भ में फिर उसको लिखना पड़ा। तो इतनी सनातन संस्कृति के तुम संतान हो, विश्व की जननी है। ए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो कोई ये ना समझे कि सांप्रदायिक प्रयोग है। हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, और सांप्रदायिक हो तो वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू यानी विशालता, हिंदू यानी प्रमाणिकता, हिंदू यानी सत्य, हिंदू यानी उदारता, हिंदू यानी विश्व बंधुत्व, हिंदू यानी अहिंसा, हिंदू यानी मैत्री, हिंदू यानी करुणा, हिंदू यानी पापी को भी रोटी देने वाला आदमी, अतिथि के रूप में आया तो उसको भी रोटी खिलाने वाला आदमी। तो हिंदू शब्द राजनीति वालों ने सांप्रदायिक कह करके हिंदुओं को गालियां देना शुरू किया है। हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, और मैंने पुनः एक बार, सांप्रदायिक यदि हो जाए तो वो हिंदू नहीं, विशाल अर्थ में कि हिंदू संस्कृति है मेरे भाई बहन। पूर्व ग्रह से कोई कहे, अपने निहित स्वार्थों के लिए कोई कहे तो विचार उनको मुबारक, लेकिन सत्य दया शौच तपस्या इन चरणों पर जो आधारित है हमारी संस्कृति, गगन सिद्धांत आकाश जैसा विशाल सिद्धांत है। भेद तो वो देखते हैं जो धरा के लोग हैं, आकाश में उड़ान भर लेते हैं, वो कभी भेद नहीं देख पाते। हवाई जहाज में आप बैठते हैं तो बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं, प्रति घंटे 900,000 किलोमीटर की रफ्तार होती है, और जमीन से 3-4 माइल ऊपर उड़ते हैं, और इतनी स्पीड में उड़ते हैं। लेकिन आप प्लेन में बैठे बैठे भोजन करते हो तो जरा भी हिलता नहीं, आपको लगेगा कि मानो कमरे में बैठे बैठे खा रहे हैं। और रिक्शा में बैठो, सर फूट जाता है इधर इधर, हाँ, क्योंकि वो जमीन पर है। जो जमीन पर की बातें हैं वो सर फोड़ देती हैं, जो आकाश में उड़ान भर लेती हैं वो तो आदमी को समचित बना देती है, विशाल बना देती है, धीर गंभीर बना दे। तो हिंदुओं का, भारतीय संस्कृति का, यानी वेदों का जो सिद्धांत है वो आकाश का सिद्धांत है, ब्राह्मणी सिद्धांत है। श्रवण से भी जाया सकता है, मना कोई मना नहीं, लेकिन काल के संदर्भ में बात महावीर ने की है, बुद्ध ने भी की है। वेद आकाश की बात करता है, ब्राह्मण वाली बात करता है। तो ब्राह्मण किसी के कमरे में जा सकता था, क्योंकि धर्म को अधिकार है कहीं भी हस्तक्षेप करने का। पहले के जमाने में पता है ना, किसी राजे महाराजे में ब्याह होता था, ब्राह्मण पत्र लेकर जाता था। वो नौकर नहीं है, विश्वास का पात्र है कि उसको ही भेजा जाए। रुक्मणी ने किसको भेजा, खत लेकर कृष्ण के पास। बिनती सुनिए नाथ, Thank you.
नति सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीताम्बर धारी बिनती सुनिए नाथ बिनती सुनिए नाथ संत प्रतीक्षा अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा सतत प्रतीक्षा अपलक सतत प्रति हे गोविंद हे माधव हे मधुसूदन हे भव बाधा विपत्ति विमोचन हे भव प्रति विमोचन अधिकार दीजिए स्वागत का अधिकार दीजिए शरणागत है नारायण पुजारी विनती सुनिए नाथ बिनती सुनिए नाथ जन्म जन्म की लगी लगन है जन्म जन्म की लगी लगन जन्म जन्म की लगी लगन साक्षी तारो भरा गगन साक्षी तारो भरा गगन है गिन गिन श्वास आश कहती 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 है मैंगे कृष्ण मुरारी बिनती सुनिए नाथ बिनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीताम्बर धारी बिनती सुनिए नाथ तो मेरा कहने का मतलब ये था ब्राह्मण कहीं भी प्रवेश कर सकता था क्योंकि धर्म को कहीं भी प्रवेश करने का अधिकार है
समरथ कहू नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी किनाई समरथ कहू नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर तो समर्थ जो होता है उसको कोई दोष नहीं लगता, वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है और समर्थ कभी मिथ्या हस्तक्षेप नहीं करता। सर्जन जो होता है वो ऑपरेशन करने जैसा हो तो ही ऑपरेशन करता है, मिथ्या ऑपरेशन नहीं करता। समर्थ को अधिकार है करने का, लेकिन ऐसी व्याख्या में भय के भी क्षेत्र हैं, क्योंकि हम अपने आप को समर्थ मान करके दोषों से बचने की चेष्टा करते हैं, अपने छिद्रों को छिपाने की, वो खतरनाक हो सकता है। समर्थ है गोविंद, समर्थ है राघव, समर्थ है शिव, समर्थ है नारायण, समर्थ है सूरज, ये सब समर्थ है। धर्म समर्थ है, सत्य समर्थ है। तो तुम्हारी बेटी को यदि शिव मिल जाए तो तुम धन्य हो जाओगे, लेकिन राजन शिव को पाना बड़ा कठिन है, तुम्हारी बेटी को बहुत तप करना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी कड़ी तपस्या करे तो शिव मिल सकते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी बेटी की साधना में विघ्न ना आए और शिव को पा सके, लेकिन तप तो उनको ही करना पड़ेगा। ये बड़ा सुंदर सुझाव। भविष्य देख के नारद ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए मैं जप कर दूं, इतना जप मैं कर दूं तो मंगल ठीक हो जाए, गुरु ठीक हो जाए, शनि अपने स्थान में ठीक हो जाए। जो देखने वाले ने, ये ज्योतिष की भाषा बोलने वाले ने ये नहीं कहा कि मैं जप तप करूं, कहा तुम्हारी बेटी स्वयं तप करे। और तपस्या तो खुद को ही करनी चाहिए, जप तप खुद करो, कोई सदगुरु तुम्हें मदद करे, तुम्हारे लिए कर भी दे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस उधार में क्या आनंद, तुम स्वयं करो, खुद करो। तुम्हारे घर कोई मेहमान आए, एक बजे आए दोपहर, और आप उसको कहे कि वो आप कितने थके हुए हैं, अब भोजन करेंगे तो और थक जाएंगे, आप बैठो हम आपके लिए भोजन कर लेंगे, तो क्या हो? भजन और भोजन खुद को ही करना पड़ता है, इसमें बदली और दूसरा नहीं चल सकता, खुद को करना। इसलिए आज लोगों को आदत हो गई है भजन साधन नहीं करना है, और सोचते हैं कोई महात्मा मिल जाए चमत्कार कर दे ठीक सब हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा चलो तो साधु तुमको बहुत चलाएगा, लेकिन थोड़ा तो चलो, चलो उठो नहीं तो सोए रहो, लेकिन जागते तो सो, तो साधु हाथ पकड़ेगा, उठाएगा, चलाएगा, पहुंचा देगा। हाँ, लेकिन कई लोगों को ऐसा है कि हमसे क्या हो, कई लोग ऐसी बातें कर, हमसे क्या हो, हम तो संसारी आदमी है, ये तो सब साधु महात्मा लोग कर सकते हैं, हम तो संसार में जो पड़े हैं। तो क्या पड़े रहना है आपको, निकलो भी। बड़ी करुणा, पागल का एक दवाखाना था पागलों का, सब पागल उसमें भर्ती थे, डॉक्टर भी पागल कर दिया था डॉक्टर, था नहीं, लेकिन सब पागलों ने मिलकर डॉक्टर को भी पागल बना दिया। दो तीन ट्रस्टी थोड़े बहुत, पुनः आ गए ट्रस्टी लोग। तो एक दिन आग लगी दवाखाने में, तो एक संत निकला, वो सबको पकड़ पकड़ बाहर निकाल रहा है, लेकिन पागल लोग संत को थप्पड़ मारकर पुनः दवाखाने में जा रहे हैं। ऐसे संसार के दवाखाने में आग लगी है, साधु और शास्त्र पकड़ पकड़ कर बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारे जैसे पागल पुनः उनमें दाखिल हो जाते हैं, बार बार उनमें प्रवेश कर लेते। यही हमारी मनोदशा है, यही हमारी स्थिति है। हाँ, कहने का मतलब साधन खुद करो,
पुरुषार्थ करो, खूब भजन करो, खूब तपाओ अपने आप को, बहुत करो। सदगुरु तुम्हारा बहुत ख्याल करेगा, लेकिन तुम थोड़ा तो करो। माँ दूध पिलाएगी जरूर, लेकिन बालक को मुंह तो फैलाना चाहिए, कम से कम माता के पयस्थान को मुंह में तो लेना चाहिए। अरे माँ खुद मुंह भी फैला देती हैं, लेकिन फिर तो चेष्टा करनी चाहिए कि थोड़ा पिए। तो गुरुदेव नारद जी ने बताया, तुम्हारी बेटी स्वयं तप करे, उसका कल्याण होगा, आशीर्वाद देकर चले गए। रात्रि में माता पिता ने विचार किया, नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, और हमारी बेटी को घर वर अच्छा नहीं मिलेगा तो दुनिया कहेगी कि आखिर पहाड़ में बुद्धि कितनी, पत्थर जो ठहरा, इसलिए सोचना पड़ेगा। और एक तरफ नारद के वचन मिथ्या भी नहीं हो सकते। रात्रि दंपति ने पूरी की। यहां सुबह में उमा माँ के पास जाकर कहती है, मुझे एक सपना आया, सपने में एक गौर ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया कि बेटी तू तप करो। माँ मैं तप करने के लिए जाऊं? तप का बहुत महिमा गान मेरे सामने किया सपने में। पार्वती की बात सबने मान ली है। उमा तपस्या के लिए निकलती है, पूरा परिवार आंख में आंसू ला बैठा, क्योंकि बेटी जा रही थी इतनी कोमल वय में शिव को प्राप्त करने के लिए निकली है। वेदशिरा नामक एक महात्मा ने हिमालय और परिवार के लोगों को पार्वती के जन्म की कथा कहकर शांत किया, रो मत, ये तुम्हारी बेटी जगदम्बा है, जाने दो, तुम्हारा भाग्य की तुम्हारी बेटी हो पाई। वेदशिरा के बोध से सब रह गए। पार्वती वन में जाकर कठिन तपस्या करती है शिव को प्राप्त करने के लिए। ये पार्वती की परंपरा हम हिंदुओं ने आज तक ले ली। छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, जया पार्वती का व्रत करती है, क्यों? मुझे शिव जैसा पुरुष मिला, मुझे अशिव कोई न मिल जाए, कोई अभद्र न मिल जाए, कोई अकल्याणकारी न मिल जाए, मुझे कोई कल्याणकारी पुरुष के साथ मेरा ब्याह। आज तक जया पार्वती के व्रत करते हैं। इसलिए हमारे देश की बेटियां बहुत तेजस्वी दिखाई देती हैं, और ये लड़के जरा, क्योंकि उसको कोई व्रत रहा ही नहीं, न कोई व्रत है न कोई नियम है, बस बाजार में घूमते रहते हैं, सीटियां बजाते रहते हैं, हैं? क्या देश की युवानी का हाल है मेरे भाई बहन। युवानों को तो बहुत मर्यादा से जीना चाहिए, हैं? क्यों युवान निस्तेज दिखाई देता है? हमने कई बार ये किसी की शादी में हम जाते हैं तो कन्या जितनी तेजस्वी दिखाई देती, इतना दुल्हा तेजस्वी नहीं दिखाता, किसी ने मारकर मानो बिठाया हो, जेल से पैरोल पर छूटा हो ऐसा लगता है, थका। क्यों? हाँ, और देखिए आप ब्याह के मंडप में हमारे देश की कन्या कितनी तेजस्वी लगती है, क्योंकि उनमें कुछ व्रत है, कुछ आदर्श है। युवान आदर्श खो बैठा है, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, हाँ, इसलिए निस्तेज हो गया। पुनः इस ओजस को अर्जित करें, पुनः अर्जित करें। कहने का मेरा अभिप्राय, पार्वती ने बहुत तपस्या की, आकाशवाणी हुई है, गिरिजा तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे, तुम्हें शिव प्राप्त होगा। हमारी बात तभी पक्की मानना जब तुम्हें सप्तऋषि आकर मिले, और उसके बाद जब तुम्हारे पिता घर बुलाए तब घर चली जाना, अब शिव मिल जाएंगे तुम्हें। तपस्या फलित हुई।
और यहां गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती की तपस्या और उसकी फलश्रुति की कथा मैंने सुनाई, अब ये सुनो कि शंकर का क्या हुआ। पार्वती जब जल गई तब से शंकर विशेष वैरागी बनकर घूमते रहे, एक जगह बैठकर ध्यान करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। बहुत काल समय शिवजी ध्यान में रहे, स्मरण में रहे, भजन में रहे। शिव के नेम और प्रेम को देखकर भगवान सारंग पाणी प्रकट हो गए और शिव जी को कहा, महाराज मैं प्रकट होता हूं तो दूसरों को कहता हूं वरदान मांगो, लेकिन आज मैं आपको वरदान देने नहीं आया, आपसे एक वरदान मांगने आया। शिव जी ने पूछा, मालिक आप? बोले हाँ, मुझे एक वचन दो। क्या? कि पार्वती ने दक्ष यज्ञ में जो जलकर भस्म हुई थी ना, हिमालय की बेटी बनी, कड़ी तपस्या की है, मैंने आकाशवाणी से वरदान दे दिया कि तुम्हें शिव मिलेंगे। तो भोलेनाथ मेरा आग्रह है, हिमालय जब निमंत्रण दे तब हट छोड़कर पार्वती का पानी ग्रहण करें, आप ब्याह करें। शिव जी ने शुरू में तो ना की कि नहीं महाराज मेरी इच्छा नहीं है, एक बार मैंने ब्याह कर लिया, संसार देख लिया, अब मेरी इच्छा नहीं है। और एक बार अनुभव कर लेता है वो दूसरी भूल कर सकता है? महाराज अब इच्छा नहीं है संसार में जाने की, अब भजन करता। बोले नहीं, तुम ब्याहो, मेरा आदेश है। तुम जैसे योगी का ब्याह नहीं होगा तो कार्तिक स्वामी जैसे पुरुषार्थी संतान कहां पैदा होंगे, तुम्हें ब्याह ना होगा। भारत का ऋषिकुल ज्यादा गृहस्थ था, भारत के ऋषिकुल की कथाएं आप पढ़ें, ज्यादा गृहस्थ ऋषि आपको मिलेंगे, और कई ऋषियों को तो एक से ज्यादा पत्नियां थी। ऐसे दिग्गज को कपा दे, ऐसे आदर्शवान संतानों की प्राप्ति के लिए तेजस्वी लोगों का गृहस्थाश्रम आवश्यक था। आप ब्याह है, भगवान शिव जी को दबाव डाला, कहा महाराज आप आज्ञा देते हैं तो ठीक है, हम ब्याह करेंगे। भगवान अंतरहित तो हो गए। उसी समय सप्तऋषि आए और सप्तऋषि को भगवान शिव ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा के लिए भेज दिए। सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा करते हैं और पार्वती ने कह दिया, महाराज आप कितने भी प्रस्ताव रखें लेकिन मैंने जीवन शंकर के लिए समर्पित किया है, एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म धारण करूंगी, लेकिन ब्याहूंगी तो शिव से, वरना जन्म जन्म कुंवारी रहूंगी। जन्म कोटी लगी प्रगर हमारी, जन्म कोटी लगी प्रगर हमारी, पर संभुनत रुकवारी, जन्म जन्म कुमारी रह सकती हूँ लेकिन ब्याहूंगी तो शिव से ही। पार्वती की ये निष्ठा देखकर जय जयकार करते हुए सप्तऋषियों ने कहा, तुम्हें शिव मिलेंगे लेकिन एक काम करो पार्वती, अब तुम्हारे पिता बुलाएं तब घर चली जाना, अब तपस्या की जरूरत नहीं। हिमालय को सूचना दी, हिमालय पार्वती को घर ले आते हैं। आए सप्तऋषि शिव पास और कहा, महाराज पार्वती को आपके प्रति अद्भुत प्यार है, आप उसका पानी ग्रहण करें ही। पार्वती के प्रेम की कथा सुनते सुनते भगवान शंकर को समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। पार्वती पिता के घर, शिव समाधि में है, और बीच में कथा आती है, तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और ये तारकासुर ने समाज को बहुत त्रास दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ये राक्षस की मृत्यु कैसे हो। ब्रह्मा ने कहा, एक ही उपाय है इस राक्षस की मृत्यु का, और वो शंकर का पुत्र उसको मार सकता है। बोले शिव तो अकेले हैं, बोले कैसे भी उसका ब्याह करवाया जाए और शिव पुत्र ही तारकासुर को मारेगा, लेकिन वो तो समाधि में है। ब्रह्मा ने कहा, देवता लोग योजना बनाओ, कामदेव को भेजो समाधि में विघ्न करे, और एक बार समाधि छूट जाए तो ब्याह कराने की जिम्मेवारी मेरी है, समाधि तुम तोड़ो, मैं उसके बाद ब्याह करवा दूंगा। कामदेव को भेजा देवताओं ने, काम प्रभाव का वर्णन मानस में आया है।
शिव की समाधि में विघ्न करने के लिए काम ने कदम उठाए, तब धरा पर जड़ चेतन सब कामुक बन गए। चट्टान चट्टान एक दूसरे से संघर्षित होने लगी, सब में कामना प्रकट हो गई, आकर्षण प्रकट हो गया। बड़े बड़े योगी और मुनीन्द्र लोग जहां देखे वहां स्त्री को देखने लगे। संसार के पुरुष संसार को नारीमय और संसार की स्त्रियां संसार को पुरुषमय देखने लगी। इतना काम प्रभावक बन गया जमी पर, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। काम बस जो बीस तापस पावरन की को कहे, देखा ही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाग लो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अब लामयम दुई दंड हरिदम बाट भीतर काम कृत कौतुकयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। तो घड़ी में कामदेव ने पूरे जगत को वश कर लिया, सब कामुक बन गए, भोग परायण बन गए सब। कोई धैर्य नहीं धारण कर सका, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जितने को रघुवीर ने बचाया वो ही बच पाए, बाकी सब काम में डूब गए। बिल्कुल सही बात है, काम और विकारों से वो ही बच सकता है जिसको रघुवीर बचाए, या तो रघुवीर का भजन बचाए। ये गुण साधन से नहीं हो सकता, उसके लिए भजन ही बड़ा। कई लोग हमको प्रश्न पूछते हैं, कामना बहुत है क्या करें? एक ही उपाय है, काम तुम्हारा नौकर नहीं कि तुम कहो कि चला जाए, क्रोध तुम्हारा नौकर नहीं कि तुम कहो और वो चला जाए। इसके लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा कि भजन से अपने आप को इतना भर दो कि काम आए तो भी वापस लौट जाए कि इसमें खाली जगह ही नहीं, कहां बैठे। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। सराय धर्मशाला के ऊपर अब हाउसफुल का बोर्ड लग गया हो कि कोई कमरा खाली नहीं, तो आधी रात कोई ट्रेन आई, एक आदमी बेग बिस्तर लेकर आएगा और धर्मशाला में कमरा लेने के लिए, लेकिन बोर्ड लगा है सब कमरे बुक है, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वापस चला जाएगा कि सब कमरे बुक ही है तो क्या करें। वैसे तुम आंख को कान को जीभ को मन को हरि नाम से इतना भर दो कि काम बेग बिस्तर लेकर आए तो भी वापस लौट जाए कि यहां जगह ही नहीं। आएगा तो जरूर, ध्यान देना, क्योंकि धर्मशाला है तो मुसाफर आएगा। तुम लाख भजन करो तो भी कामना सताएगी, और उसी में काम आए ही नहीं तो वृक्ष की जड़ें कितनी मजबूत हैं कैसे पता लगता है मेरे भाई बहन? तभी तो पता लगता काम आए, लेकिन तुम्हें भजन में भरपूर देखकर लौट जाए कि इस साधक में प्रवेश करना कठिन। बरी सराय रहीम लखी पथिक आप, इसलिए भजन बढ़ाओ, अपने आप को गोविंद से भर दो, काम ना आ पाए। आएगा तो जरूर, जितना भजन बढ़ाओगे विकार प्रबल हो गए, लेकिन मस्ती में रहो तुम्हें कुछ नहीं कर। बेग बिस्तर लेकर आएंगे, सज धज कर आएंगे, लेकिन तुम्हें भरा हुआ देखकर पथिक आप फिर जाए, अपने आप लौट जाएंगे, लौट जाएंगे। तो मेरे भाई बहन, हरि भजन और हरि आश्रय ही कामना से बचा सकता है। रामचरितमानस में स्पष्ट उत्तर है, राम भजन बिनु मिटहि के कामा, राम भजन मिटहि के कामा, फल बिहीन तरु प्रभु की जामा, फल बिहीन तरु कबहु की जामा, राम भजन मिटहि के कामा, राम भजन मिटहि के कामा, फलहीन तरु कबहु की जामा।
बल विहीन तो इन दुर्गुणों से बचना है तो रघुवीर का आश्रय और रघुवीर का भजन ही बचा सकता है, साधन काम नहीं लगेगा। साधन बहुत करने वाले तपस्वी लोग भी एक एक स्वर्ग की अप्सरा के सामने पागल होकर नृत्य करने लगे थे, काम से कौन बचा है। और जिसने भजन किया तो गोविंद का वचन पा लिया, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होने देता मैं, जो मेरा आश्रय कर लेता है मेरे भजन में डूबा रहता है। तो जही राखे रघुबीर सौ बरे तही काल, जितना समय मिले भजन बहुत बढ़ाओ। इस सरल मार्ग है इसलिए ध्यान बढ़ाओ तो भी कोई हमें आपत्ति नहीं है, सब मार्ग ले जाता है वही। कोई ध्यान करो, कोई सुमिरन करो, कोई कीर्तन, जो भी करो करो, और जो तुम करते हो उसको प्रतिपादित करने के लिए दूसरा जो करता है उसका खंडन मत करो। वो उनका मार्ग है, किसी का ध्यान का मार्ग है, किसी का सुमिरन का मार्ग है, किसी का कीर्तन का मार्ग है, हर मार्ग उन्हीं की ओर मोड़ दिए हैं साधु संतों, वहीं ही ले जाते। हाँ इतना जरूर है, कोई मार्ग जटिल है, जरा लंबा है, कोई मार्ग सरल है, छोटा है, जल्दी पहुंचा देता है। कलयुग का मार्ग यदि छोटा आप चाहते हैं तो एक हरि नाम, एक हरि आश्रय। लोग कुछ भी कहे, साधुओं का ये पक्का अनुभव है कि हरि आश्रय हरि नाम बचा सकेगा और प्रभु तक की यात्रा पूर्ण हो सकती है। तो रघुवीर का सुमिरन जिन लोगों ने किया, या तो रघुवीर ने जिसको बचाया, इतने लोग बच पाए, बाकी सब काम में डूबे। कामदेव शिव के सामने आया, बहुत कोशिश की, असफल, और कुपित कामदेव ने शिव की समाधि तोड़ने के लिए शरसंधान किया, शिव को विक्षिप्त किया, और भगवान शंकर ने आंखें खोल कर देखा तो कौन है ये मेरी समाधि में विघ्न करने वाला। और देखते ही सौरभ पल्लव में कामदेव को देखते ही भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुलने जा रहा था और तीनों लोक कांपने लगे थे। गोस्वामी जी कहते हैं शायद संसार को भस्मीभूत कर न कर दे ये भूत भावन। इतने में तो गोस्वामी जी कहते हैं तीसरा नेत्र खोलकर काम के सामने देखते ही काम जलकर मूल से भस्म हुआ। गोस्वामी जी का सौरभ पल्लव मदन बिलोका देखि काम कम प्रेम त्रैलोका हाहाकार भयो जग भारी सुर भय असुर सुखारी समझ काम सुख सोचहि भोगी जोगी अकंटक भय उपति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदन बदति बहु भाति करुणा शंकर पहिरै करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव राम नामी रति भोले सरी प्रभु आशुतोष कृपाल शिव राम नामी रति भोले सरी। काम को तीसरे नेत्र से देखते ही जलाकर भस्म कर दिया और पूरा जगत निष्काम हो गया। महात्मा लोग उत्सव मनाने लगे कि अच्छा हुआ काम को बजला दिया, क्योंकि हमारी समाधि में काम ही तो विघ्न करता था। और भोगी लोग रोने लगे कि अब काम जल गया तो रस जैसा भोग जैसा कुछ रहा ही नहीं, अब जीवन का क्या अर्थ है। और यहाँ कामदेव की पत्नी रति रुदन करती हुई शिव के पास आई है और रति को देखकर अबला को देखकर आशुतोष शिव प्रसन्न हो गए और रति को वरदान दे दिया, तुम्हारा पति जल गया लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा पति बिना शरीर सबके मन में निवास करेगा, अनंग बनकर रहेगा। और तुम्हारे पति का मिलन यानी शरीर में मिलन तुम्हारा
द्वापर युग में कृष्ण अवतार में होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा द्वापर में। रति वरदान सुनकर लौट गई और भगवान शंकर बैठे थे शांत, इतने में स्वार्थी देवता लोग आ गए ब्रह्मा की अगुवानी। चतुर है देवता लोग, बड़े स्वार्थी है, शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंकर जी ने कहा कि प्रशंसा मत करो, मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि तुम लोग देव हो, मैं महादेव हूं, मूल बात करो। बात क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, अरे भाई पीछे इतनी चर्चा, इसको शांति से मना करो। तो देवताओं के नायक श्री ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, वैसे हम घूमने निकले थे, ये सब देवता लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि किसी का ब्याह ही नहीं होता, किसी की बारात में जाने का अवसर भी नहीं मिलता, और देवताओं का समाज बिल्कुल रसहीन हो गया है, तो किसी का ब्याह हो तो हम बाराती बने और कुछ आनंद हो, तो सबकी इच्छा है आपका ब्याह हो। ये नहीं कहा कि आप ब्याहें, आपके घर बेटे का जन्म हो जाए, वो तारकासुर को मार दें, तारकासुर मरे तो हम निश्चिंत हो जाए, ये मूल बात नहीं बताई। स्वार्थी लोग तो ऐसे ही बात करते हैं ना, घुमाकर ही बोले। तो कहा बात को ऐसे ऐसे बना करके, घुमा घुमा करके बोला, बस इसलिए हम बोलते हैं। कई लोगों की रीत ऐसी होती है, मूल बात नहीं करेंगे, ऐसे बात मूल होती है लेकिन उसको घुमा कर कहे। एक साहित्यकार कह रहे थे कि एक एक आदमी एक भाई के घर मेहमान हुआ, तो दीवान खंड में चाय पीते पीते उसने पूछा, अलमारी में कबाट में एक चांदी का जग था, शील्ड या कोई कप या कोई ऐसा कोई स्पर्धा में मिला हुआ है, तो था चांदी का था। तो ये मेहमान जो था ना, उसने यजमान को पूछा, भाई साहब ये शील्ड ये कप या ये जग जैसा कुछ है चांदी का, ये कहां से आपने पाया, कौन स्पर्धा से? घर के मालिक ने कहा दौड़ने की स्पर्धा से पाया। दौड़ने की? आप दौड़ने की स्पर्धा में उतरे थे? बोले हाँ, इसमें मिला। हाँ, कितने लोग दौड़ने में थे, कितने स्पर्धक थे? बोले तीन थे। कौन कौन? बोले एक मैं, एक ये जग का मालिक, और दूसरा पुलिस में, क्योंकि ये चुरा कर ले जा रहा था, तो घर का मालिक भी पीछे भागा जा रहा था और पुलिसमैन भी भागा जा रहा था, इन तीनों की स्पर्धा से मैंने ये पाया है। बात कहनी है लेकिन ऐसे खूबसूरत ढंग से बता रहा, ये नहीं कहा कि मैंने चोरी ली है, जुटवा कर भागा था, लेकिन तीन जन व्यक्ति की स्पर्धा चल रही थी, इसी में ये शील्ड मैंने पाया। हमारी इच्छा महाराज ऐसी है कि आपका ब्याह हो, हम बारात में आए, बस यही एक इच्छा। ये नहीं कहा कि आप ब्याहें, आपके घर पुत्र जन्म हो और तारकासुर मरे तो हम चैन की सांस ले पाए। चतुर देवताओं ने अपनी बात रखी है, शिव जी ने कहा आप कहें और मैं ब्याहने को तैयार हो जाऊं, ऐसा मत समझना, लेकिन ठाकुर ने मुझे आदेश दिया है। शिव ने हाँ कह दी, चलो मैं ब्याह करूंगा। सब राजी हो गए। इतने में सप्तऋषि आ गए और सप्तऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा आप हिमाचल प्रदेश जाए और हिमालय को काम दहन रति वरदान और शिव ब्याह के लिए राजी हो गए हैं वो बात बता दें, और लग्न पत्र लेकर लौट आए। सप्तऋषि हिमालय के घर गए, पुनः एक बार पार्वती को मिलकर कसौटी की, लेकिन पार्वती उत्तीर्ण पास, और हिमालय को काम दहन रति वरदान की बात कहते हुए सप्तऋषियों ने लग्न पत्र लिया है और विवाह पत्र लेकर सप्तऋषि लौटे, ब्रह्मा जी को दिया, महाराज बहुत कम दिन आए हैं, जल्दी तैयारी की जाए। और देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया जल्दी तैयारी करो, शिव को ब्याह के लिए शिव के हम बाराती बनकर बारात सजो कर जाएं। सब देवता अपने विमान को, अपनी देवियों को, अपने शरीर को सजाने लगे, लेकिन ये स्वार्थी देव में से कोई भी देव दुल्हे को सजाने के लिए नहीं गया। जिसका ब्याह हो रहा है वो अकेला बैठा है और ये बाराती लोग तैयार हो रहे हैं, स्वार्थी हैं। और शंकर भगवान बैठे हैं, तब शंकर के कुछ भूत प्रेत गण जो हैं वो शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दुल्हे को संवार रहे। देवता लोग तो नहीं श्रृंगार करने आए, लेकिन गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं,
पर तुलसीदास जी भी चौपाइयों से श्रृंगार कर रहे हैं। हम भी गोस्वामी जी के साथ भोले बाबा का श्रृंगार करें और बारात चलेगी, लेकिन कुछ समय तो जरूर लगेगा श्रृंगार में, तैयारी में, इसलिए अब 3-3.5 घंटे के बाद बारात निकलेगी। तो कथा अब करीब 3:15 के आसपास कथा, आप 3 बजे आ जाना, हम कभी भी आ सकते हैं। नहीं, हम भी आ जाएंगे जितना हो सके, लेकिन आप 3 बजे आ जाना, आप बारात में जाना है तो ठीक से आ जाना और 3:15 बजे तक हम आ जाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सदगुरु देव की। ओ नमः पार्वती प्रतये